ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मुकर्रम मुतकफ़ीन अज़ीज़ तलबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक से हमें बहुत सी रहमतों और नेमतों में से नवाजा है और अल्लाह पाक की अता करदा उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत इस दौर में तहरीक मिन्हाजुल कुरान के इस अजीम रूहानी तरबियती मरकज का क़याम भी है जिस पर हम लोग जमा हैं और दूर दराज से लोग मुख्तलिफ वक्तों में अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। आज सवालात और एतराज़ात का दूसरा बाब हमारे सामने है इसका उन्वान जो सवालात जमा करने वाली कमेटी ने मुकर्रर किया है वो है फिक्री और नज़रियाती मुगालते। इस ज़िमन में पहला सवाल ये है जो कुव्वते नाफिज़ा के हुसूल से मुतालिक है। सवाल ये किया गया है कि सियासी मैदान से बाहर रहते हुए इस जमहूरी सिस्टम में कुव्वत नाफिजा का हुसूल किस तरह मुमकिन है। इसका जवाब चंद पहलुओं पर तवज्जो मांगता है। उनमें से पहला पहलू तो ये है कि ये मौजूदा सिस्टम जिसको जमहूरी कहा गया और जमहूरी कहा जाता है फिल वाक़े ये जमहूरी है नहीं, ये जमहूरी सिस्टम नहीं है। जमहूरी सिस्टम मगरबी माशरों में होते हैं। जमहूरियत सिर्फ इसको नहीं कहते कि क़याम हुकूमत के लिए और हुसूल इक्तदार के लिए इंतखाबात का ज़रिया जहाँ पाया जाए सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए को ही जमहूरी सिस्टम नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ आज भी इंतखाबात हो रहे हैं और मैंने अलहाज मोहम्मद सलीम कादरी साहब अभी थोड़ी देर पहले आए तो मुझे उन्होंने बताया कि वो गुजरे हैं कोई 8-10 पोलिंग स्टेशन रास्ते में आए जो उन्होंने गाड़ी में से गुजरते गुजरते करीब से देखे तो बता रहे थे कहीं 5-7 आदमी खड़े थे, कहीं इससे ज़्यादा खड़े होंगे। कुछ आप लोग भी डॉक्टर अवान साहब आए हैं, गुजरे हैं, कोई रास्ते में देखे हैं पोलिंग स्टेशन कितने लोग होंगे? अब डॉक्टर अवान साहब आए हैं, इन्होंने भी देखे हैं पोलिंग स्टेशन, बता रहे हैं कि 10 कहीं 15 ये आदमी थे। आपने भी देखे हैं गुजरते हुए?
मिस्कीन फैज़ रहमान साहब भी बता रहे हैं कि मैं भी आया हूँ गुजरते हुए, कुछ पोलिंग स्टेशन देखे, यही हालत है। हाँ, ये महमूद शाह बता रहे हैं कि ये सामने भी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन है, बस यूँ ही ऐसी कैफियत है जैसे खाली पड़े हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। अब ये मैंने आपको आपके सवाल पर चंद सवाल किए, और इत्तेफाक से आज का ये सवाल एक ऐसे दिन आया है जो दिन इस जमहूरी सिस्टम का मुंह बोल का सबूत है, यानी आज जमहूरी सिस्टम का जनाजा निकल रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं। सो पहली बात ये जहन में रख लें, एक होते हैं लफ्ज़। हमारी खराबी ये होती है कि हम लफ्ज़ों से मार खा जाते हैं, लफ्ज़ों से मार। अगर खुद एतमादी हो और क्लैरिटी हो तो इंसान लफ्ज़ों से कभी मार नहीं खाता। कहने वाले ने कह दिया कि ये तो जमहूरी सिस्टम है, और जमहूरी सिस्टम में तो हुसूल इक्तदार या कुव्वत नाफिज़ा उसके अंदर रहकर ही हासिल होती है, तो आप कैसे हासिल करेंगे? बस आप यहीं से ही मार खा गए जब आपने इसको जमहूरी सिस्टम मान लिया। अब हमारा मौकफ ये है कि हम इस मौजूदा सिस्टम को जमहूरी सिस्टम मानते ही नहीं, तो सवाल ही गलत हो गया। अब मेरी बात समझ गए ना, वाकईतन जमहूरी सिस्टम हो, जमहूरी मुआशरा हो, तो फिर कुव्वत नाफिज़ा का हुसूल उससे बाहर रहकर मुमकिन नहीं होता। आप अमेरिका की बात करें, दुरुस्त है, भारत में भी जमहूरी सिस्टम है, हमारे साथ का मुल्क है, मगर आपको पता है कि एक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लग जाए तो वो वजारत उज़्मा से हाथ धोकर अदालतों के चक्कर लगा रहा है। भारत जैसे मुल्क में भी कुछ ना कुछ जमहूरी सिस्टम है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जमहूरी सिस्टम है। नॉर्वे में वज़ीर आज़म पर इनकम टैक्स के गोशवारे दाखिल करने में एक गलत, यानी जिसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कहते हैं, किसी एक अपनी जायदाद की इनकम को छुपा दिया या भूल कर बयान नहीं किया और 20 दिन लेट दाखिल कराए, इन दो जुर्मों पर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। तो इसने 20 दिन लेट, वजीर आजम ने 20 दिन लेट अपने गोशवारे दाखिल कराए, कानून तोड़ा है। और सानियन, एक मकान का किराया इसको आता है और वो दर्ज नहीं किया अपने ज़राए आमदनी में, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हुकूमत बर्खास्त कर दी। इन मुआशरों को जमहूरी मुआशरा, जमहूरी सिस्टम कहते हैं। मग़रिबी दुनिया में और या जापान या मशरिक़ बईद, बेशतर दुनिया के ममालिक में जमहूरी सिस्टम है। वहाँ उस सियासी मैदान से बाहर रहकर कुव्वत नाफिज़ा का उसूल वाकईतन मुमकिन नहीं होता, मगर हमारा सिस्टम जमहूरी नहीं है, लिहाजा इसके अंदर रहकर सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई और खजालत और दबाही के और कुछ नसीब न किसी को हुआ है न होने का चांस है। ये तो एक पहलू है जवाब का। यहां सारी जंग, हाँ, जमहूरी सिस्टम में एक बात यह भी जहन में रखें कि जमहूरियत एक सियासी जमहूरियत होती है, एक माशी जमहूरियत होती है और एक समाजी और मुआशरती जमहूरियत होती है। जमहूरी सिस्टम तब बनते हैं जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी तीनों जमहूरियतें यकजा हों, तो फिर सिस्टम जमहूरी सिस्टम बन जाता है। यहाँ ना अदालतें अदालतें हैं, न कानून कानून है, न कानूनी इदारे हैं, न जमहूरी इदारे हैं, न निज़ाम कोई जमहूरी है, न निज़ाम आदिलाना है, न इंतखाबात मुनसिफाना है। मुनसिफाना से मुराद यहाँ करोड़ों रुपए और लाखों रुपए का खर्च करना इलेक्शन के लिए नागुज़ीर हो जाए। जमहूरी सिस्टम तो उसे कहते हैं कि हर शख्स लड़ सके। क्या आप 10,000 आदमी बैठे हुए हैं, आप में से कोई इलेक्शन लड़ सकता है? कागज दाखिल भी करवा सकता है, ठीक है, उम्मीदवार भी बन सकता है, आगे बताइए, उसके बाद लड़ सकता है इलेक्शन?
लड़ने से मुराद जीतने के लिए लड़ना, वैसे तो बेशक आप सारे ही खड़े हो जाएं तो रुकावट कोई नहीं। ये जमहूरी सिस्टम कहते हैं, यहाँ के हर एक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, लिहाजा ये जमहूरियत है। अब मेरी बात को समझ गया ना, यहाँ हर एक को इलेक्शन में हिस्सा लेने और लड़ने की इजाजत है, लिहाजा जमहूरियत है। ये है जमहूरियत, मतलब ये है कि आप अपने कागजात नामजदगी भी दाखिल करा सकते हैं और इस आपका लिस्ट पर नाम भी छप जाएगा और आप लड़ भी सकते हैं, और ये लड़ना बराए मरना, ये लड़ना बराए मरना। क्योंकि उस लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए, जो वसाइल चाहिए, जो सिलसिला चाहिए, जो माहौल, जो निज़ाम चाहिए, वो आपके पास नहीं है। कोई भी आपको वोट देने को तैयार नहीं होगा, ख्वाह आप PhD हैं, ख्वाह आप लॉ ग्रेजुएट हैं, ख्वाह बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं, ख्वाह बड़े साहिब सीरत व किरदार हैं, ख्वाह आपकी बड़ी खिदमत खल्क है, सब कुछ है, आपके हाथ में दो बड़ी जमातों का टिकट नहीं है। ये सियासी गुंडागर्दी और सियासी दहशतगर्दी और सियासी इजारादारी है, मिसाल दे रहा हूं, वो नहीं है। अवाम अनपढ़ है, अवाम को शौरी कोई नहीं है, भेड़ चाल है, आपके पास पैसा नहीं, आप बदमाशों को खरीद नहीं सकते, सारे माजे उसने खरीद लिए, गामे उसने खरीद लिए, एक गामे ने थप्पड़ मारा आपको उधर जा पड़े, अगली गली में दूसरे माजे ने थप्पड़ मारा, आपने कहा मेरे बाप की भी तौबा इलेक्शन लड़ने। यानी ये मुआशरा है, ये इलेक्शन है। गुंडे, स्मगलर, जागीरदार, लुटेरे, और वो जो लड़ रहे हैं किस बलबूते पर, ये जो आप हर वक्त पढ़ते रहे एहतसाब का किस्सा, वो करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे लेके हराम खोर हैं, पल गए हैं, उनके पास बेताशा रकम है, पैसा है, और गरीब लोग बिकने को बैठे हुए हैं, कहीं आटे जा रहे हैं, कहीं घी जा रहे हैं, कहीं बिरादरी का एक बड़ा आदमी पकड़ लेते हैं और कुल वोटों के हिसाब से पैसे दे देते हैं। लोग ये समझते हैं कि बाद में तो किसी ने करना कुछ नहीं, चलो वोटों का जमाना है, जो मिलता है ले लो, जो दे देगा उसको वोट दे देंगे। और सारी बात के बावजूद इस पूरे निज़ाम से 60 इस वक्त तो 70 या 75% लोग अब वोट नहीं डाल रहे, 75% वोट लोग नहीं डाल रहे, 75% लोग। तो जमहूरी सिस्टम का तो कौम ने इनकार कर दिया है, अभी आप देख लेना, अब इसको पता नहीं वो 40% बना देंगे। हशर तो आपने आंखों से देख लिया ना, आज कितने 4 बजे तक है पोलिंग, 12 बज चुके हैं, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हैं, 5, 10, 15 लोग हैं बकाया, 4 बजे तक कितने लोग और आ चुके होंगे। अब ऐलान भी सुन लेना कि कितने वोट पड़े, ये जमहूरी सिस्टम है। जो कमी रह जाएगी वो इंतजामिया ने पूरी कर देनी, फिर क्या होगा, आज इलेक्शन के बाद सीटें गिन ली जाएंगी, कि ये भी पहले से तयशुदा है कि वजीर आजम किसको बनाना है। ये मैं आपको पिछले कई इंतखाबात का खुलासा बता रहा, कई इंतखाबात का, ये एक ट्राई का है। अब वो कौमी सलामती कौंसिल भी बन गई है, हयात मुक्तादेरा तो बन चुकी है, हयात मुक्तादेरा बन चुकी है, उन्होंने अब अपने अंडर कुव्वत नाफिजा बनानी है। एक पहले कुव्वत नाफिजा ही हयात मुक्तादेरा होती थी, या जमहूरी मुआशरों में ऐसा होता है, जो कुव्वत नाफिजा होती है वही हयात मुक्तादेरा, अब हयात मुक्तादेरा पहले मौजूद होती है। अब उन्होंने अपने अंडर एक कुव्वत नाफिजा बनानी है जो उन्हें मुआफिक हो। अब सीटें गिन लेंगे, डिसाइड है किसको वजीर आजम बनाना है, किसकी हुकूमत बनानी है। अब देखेंगे उसके पास कितनी सीटें आई और कितनी कम रह गई, जितनी कम रह गई। अब एहतसाब में आपको पता है किसी को ना अहल इलेक्शन से पहले, ये भी ऑर्डर आ गया, ऑर्डर दे दिया कि इलेक्शन से पहले किसी को ना अहल डिक्लेयर न किया जाए। क्यों ना किया जाए यह भी आपको बता दूं, आज इसलिए डिपेंडेंट रखें, जब सीटों का फैसला हो जाए तो देखेंगे अब कितनी सीटें चाहिए किसी को वजीर आजम बनाने के लिए, किसी की हुकूमत कायम करने के लिए कितनी सीटें कम हैं, जितनी कम होंगी उतने दूसरों के नाअहल कर दिए जाएंगे, उतने दूसरों के नाअहल करके दूसरे मध्य मुकाबले उम्मीदवार को जितवा दिया जाएगा, या जिमनी इलेक्शन के जरिए ऊपर ले लिया जाएगा और वो सीटें जो कम थी वो पूरी करवा दी जाएंगी। अब मकसद बात का ये है कि जहां सारा का सारा काम अलिफ से या तक एक साजिशी निजाम के तहत हो रहा हो,
और खयानत के साथ हो, और एक गाय, इसको कहते हैं गाय, नई किस्म आ गई है गाइडेड डेमोक्रेसी, वो जमहूरियत जो बाकायदा पहले से मुनज्जम मंसूबे के तहत एक रहनुमाई में चल रही हो, ऐसी डेमोक्रेसी में वो लोग जिन्होंने बेईमानी नहीं करनी, जिन्होंने गुंडागर्दी नहीं करनी, जिन्होंने दहशतगर्दी नहीं करनी, जाली वोट नहीं बनाने, साज बाज नहीं करनी, जमीर नहीं बेचना, झूठ नहीं बोलना, बेईमान नहीं बनना, आखरत नहीं बेचनी, और करोड़ रुपए का स्मगलिंग का सरमाया और लूटमार का सरमाया उनके पास नहीं है कि वो भी खर्च करें, और अपने किरदार, अपने फिक्र, अपने प्रोग्राम, अपने दस्तूर, अपने मंशूर और अच्छी अहलियत की बुनियाद पर इलेक्शन की जंग लड़नी है, उसके इस सिस्टम में कहां गुंजाइश है कि वो इक्तदार में आ जाए। लिहाजा ये सवाल एक ऐसा ख्वाब है कि ऐसा ख्वाब देखने वालों के लिए बेहतर है कि वो अपने आप को हिलाएं और निकल आए इस ख्वाब से। ये बस एक तमाशा है और कुछ नहीं, एक फिक्रा है बस, ये पॉलिटिकल साइंस की किताबों का एक फिक्रा है, ये अप्लाइड पॉलिटिक्स का दौर है, अप्लाइड साइकोलॉजी का दौर है, अमली हकीकतों का दौर है कि क्या हो रहा है। लिहाजा ये मैदान गलत लोगों का अपने मकासद के लिए तैयार करदा मैदान है, और हमने 90 में भी देख लिया है और 93 में भी देख लिया, मजीद कितनी बार देखने का शौक है आप कि इस सिस्टम से बाहर निकलकर इकतदार कैसे मुमकिन होगा, उसकी बात तो बाहर करेंगे, मजीद इस सिस्टम में दाखिल रहने के लिए कितने साल का मजीद तजर्बा करने का शौक है, एक बात। अब चलो हमने तो 90 का किया और 93 में करीब देखकर वही हालात पाए और हट गए, तजर्बा नहीं किया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 40-40 साल, 30-30 साल तजर्बात किए हैं, चलो उनके तजर्बात से ही सबक सीख लिया होता। जिन्होंने 40 साल तजर्बा किया है दीनी कुव्वतों ने, उनका हश्र देख लिया है ना, उन्होंने क्या हासिल किया। अब एक मुसर्रत नजीर के मुकाबले पे उतर आए हैं, यानी ये इंतहा है ना सारे सियासी सफर की, ये सारे सियासी सफर की इंतहा है। एक बमुकाबला बेनजीर, क्या नाम हो, मुसर्रत नजीर हो गए, मुसर्रत शाहीन, मिस्कीन फैज़ुर रहमान साहब के सूबे की है ना, इनको नाम ज्यादा याद है। कहते मैं वो दूसरे मुकाबले वाले को ज्यादा जानता हूं, तो ये भी आपने देख लिया। अच्छा, आपने तो 93 में फैसला किया कि लात मार दें, लानत भेज दें इस गंदे पॉलिटिकल कल्चर पर, इसके जरिए उसूल इक्तदार या कुव्वत नाफिज़ा का उसूल मुमकिन नहीं। आपने फैसला 93 में किया था, उस वक्त जो इस बात को मानने को तैयार न थे और जिनका 30 साल तजर्बा था, वो कहते हैं ना जी 30 साल तजर्बा नजूमी है तजर्बेकार, 40 साल तजर्बे का हामिल तबीब है और सन्यासी है, वो जो 40-40 साल के बड़े तकड़े तजर्बाकार थे, वो हमारी बात न माने, जो फैसला हमने 3 साल पहले किया वो फैसला आज उन्होंने भी कर लिया। जमात इस्लामी ने किया या नहीं, बोलिए। यानी मार खा खा के हमारे तजर्बे से नसीहत लेकर बाद में जो पहले रह गए थे वो निकलते आ रहे हैं, सवाल करने वाला दोबारा डालना चाहता है। फिर उसके बाद अब नूरानी साहब भी निकल आए, जिनका फलसफा ये था कि कोई उम्मीदवार जीते या ना जीते, था या नहीं था, कोई वोट दे या ना दे, मुअज्जिन का काम अजान देते रहना है, बेशक नमाजी आए कोई मस्जिद में या ना, यही फलसफा था, मुअज्जिन का काम अजान देते रहना है, नमाजी कोई आए या ना, हम हमेशा देते रहेंगे, वो भी अजाने बंद कर गए। अब अजाने सिर्फ मुर्गों के सपुर्द हो गए, वो भी अजाने बंद कर गए, और सवाल करने वाले हमें फिर अजानों पे लगाना चाहते हैं, ये अजाना अजाने बाबा पीर पगारा से दिलवाएं। किस जमहूरी सिस्टम की बात करते हैं आप कि उसमें रहते हुए कुव्वत नाफिज़ा का हुसूल उसके बगैर मुमकिन नहीं, यहां जमहूरी सिस्टम है ही नहीं। वो निकल आए, दूसरे निकल आए, दो का नाम लिया ना आपको जी। अब मौलाना न्याजी साहब का भी सुन ले, वो भी तंग है,
उन्होंने मुझे दो बार टेलीफोन करके कहा कि अब हम इंतहाई परेशान हैं, फंस चुके हैं, यानी ना अंदर जाने के ना निकलने के, नतीजा वही सामने आया है जो आपने कहा था, खुद मुझे फरमाया उन्होंने, और कहा कि मैं अब आपसे मीटिंग करना चाहता हूं। मैंने कहा कब? कहते हैं अब ये 3 फरवरी गुजर ले, उसके बाद ही करेंगे। ने मुझे फरमाया उन्होंने, तो क्या करें, उम्मीदवार खड़े कर दिए जी, उम्मीदवार खड़े कर दिए, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। फरमा रहे थे कि ईद के बाद अब 3 फरवरी गुजर ले तो इसके बाद मीटिंग करेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। वो भी तीन का जवाब भी सुन लिया, और वो फरमा रहे थे कि वो नूरानी साहब का भी मामला ऐसा हुआ कि वो भी टिकटों के लिए आए थे इधर लाहौर। अब अंजाम इस सिस्टम में यहां तक पहुंच गए हैं कि मजहबी जमातें 50-50 साल की तारीख रखने वाली, 60-60 साल की तारीख रखने वाली और क्लेम करने वाली, अब इस सिस्टम में सिस्टम के इजारादारों से सीटें मांगने आती हैं। अपनी जमात का नाम भी गया, अपनी जमात का उन्वान भी गया, अपना फ्लैग भी गया, अपना निशान भी गया, अब सीटें मांगने आई। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इजारादार लोगों ने कहा कि आपको 2 सीटें दे सकते हैं सिर्फ, अगर 2 सीटों से निज़ाम मुस्तफ़ा ला सकते हैं तो ला लें, 2 सीटें की तो सिर्फ टिकटें दी हैं, अब जीतना न जीतना तो वोटरों की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, तो टिकटें ही दो। उन्होंने कहा यह बहुत थोड़ी हैं, तो सेटलमेंट नहीं हुई तो वो नाराज़ होकर वापस चले गए। जब चले गए, अब उन जमातों ने जिन्होंने इस जमहूरी सिस्टम में रहकर निज़ाम मुस्तफ़ा की जंग लड़ने की कोशिश की, आज इस अंजाम को जा पहुंचे कि न टिकटें देने वाले को रहे, न कोई उनसे टिकटें लेने वाला रहा। वो बेचारे खुद चंद अइमा खुतबा ही हैं उनके अपने उलमा, जो अल्लाह के दीन के नाम पर, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे लगे हुए हैं, वही हाजिर हैं जी टिकटें लेने के लिए, वही दे रहे हैं, वही ले रहे हैं, न कोई टिकटें और देने वाला, न कोई लेने वाला, न कोई वोट डालने वाला। ये जमहूरी सिस्टम है जिसमें दीन की इकामत की कोई गुंजाइश नहीं। हमने ये बात 3 साल के तजर्बे के बाद कह दी थी, पहले कह दी थी, 3 साल के तजर्बे के बाद पहले ही कह दी थी कि दीनी मजहबी कुव्वतों का हश्र यही होगा, इस रास्ते को तर्क कर दें, लात मार दें। मगर चलो खुदा का शुक्र, अभी भी उन्होंने बयान दे दिया कि हमने ये इस साल के लिए फैसला किया, अभी हमारा मुस्तकिल नहीं है, इंशाअल्लाह मुस्तकिल की भी नौबत आ जाएगी। लिहाजा मैं दोहराता हूं अपने मौकिफ को कि इस नाम निहाद सिस्टम में दाखिल रहकर कुव्वत नाफिजा का हुसूल तो सिरे से मुमकिन ही नहीं है। जब इससे बेहतर हालात थे, ये इलेक्शन तो 71 से होते चले आ रहे हैं, अयूब खान के 10-12 साल दौर के बाद याया खान, और याया खान ने इलेक्शन करवाया जिसमें पीपल्स पार्टी आई थी 71 में, तो 71 के इलेक्शन हुए थे। आपको कई नौजवानों को याद नहीं होगा, हमें तो उस वक्त का ज़माना याद है, आपके बुज़ुर्ग सब जानते हैं, 71 के ज़माने में उरूज था मजहबी जमातों की सीटों का पाकिस्तान की तारीख में, क़याम पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक दीनी मजहबी जमातों को इससे ज्यादा सीटें न पहले कभी मिली थी, न मिली हैं, और न कभी आइंदा सदी में मिलने की तवक्को है। इस निजाम के तहत, इस बेईमान निजाम के तहत, इस दज्जाली निजाम के तहत, इस इस्तेसाली निजाम के तहत, इस दीन दुश्मन निजाम के तहत, जब तक कि इसमें कोई बुनियादी तब्दीली ना आ जाए। तो 71 के इलेक्शन में मैक्सिमम सीटें आई थी, और वो सीटें मैक्सिमम सारी डाल के भी मेरा ख्याल है कि 24-25 के करीब तादाद जा बनी थी, सारी जमातों की मिलाकर टोटल बता रहा हूं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान की, जमीयत उलमाए इस्लाम की, उस वक्त जिनके धड़े भी अलग अलग नहीं बने हुए थे, जमीयत अहले हदीस पता नहीं थी या नहीं, बहरहाल वो तो खैर कोई नहीं थी सीट, वो भी उसमें शिया भी साथ थे, उसमें अहले हदीस भी साथ थे, उसमें सारे मकातिब फिक्र भी साथ थे, JUP JUI जमात इस्लामी, और इधर सुबह सरहद और बलूचिस्तान के कुछ मजहबी लोग जिनकी कद्दू का कुछ सीटें होंगी, ये सारी जमातें मिलाकर
टोटल तादाद इनकी कोई 20-25 के दरमियान जा बनी थी, 225 की असेंबली में से। बस अब आप अंदाजा कर लें, यहां तो इनकलाब अगर 225 की असेंबली में से कम अज कम 150-250 सीटें पास ना हो। अब मैं अगली बात पे आ रहा हूं, जमहूरी सिस्टम में कुव्वत नाफजा कैसे मुमकिन होता है। इनकलाब नहीं आ सकता जब तक आपके पास अपनी अक्सरियत ना हो हुकूमत कायम करने की, और बिल पास करने करवाने और अपनी मर्जी के कानून का फैसला करवाने और तब्दीलियां लाने के लिए एक वाज़े 2/3 अक्सरियत जब तक आपके साथ या आपके हाथ में ना हो, उस वक्त तक आप तब्दीली इस सिस्टम में नहीं ला सकते असेंबली के फ्लोर पर। तो यहां तो 150 सीटें अगर पास हों या साथ हों तो तब जाके कोई हुकूमत कर सकता है। 125 के ऊपर जाके, 125 से ऊपर सीट हो तो सिर्फ हुकूमत कायम हो सकती है, और निहायत कमजोर हुकूमत, वो चल नहीं सकती। कायम हो सकती है, चल नहीं सकती। तो जिन गरीबों के पास 7 सीटें और 3 सीटें और 2 सीटें और 4 सीटें हैं, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ परमिट लेंगे, कोई डीजल का लेगा, कोई और पेट्रोल का लेगा, कोई आटे का लेगा, कोई सीमेंट का लेगा, कोई रूट का बसों का परमिट लेगा, कोई सैर करेगा बाहर सरकारी खर्चों पर, कोई कमेटियों में आएगा, कोई सिरी पाए खाएगा बस यही, कोई रोया तो हिलाल कमेटी में बैठेगा, भाई ये कुछ ही होगा। अलबत्ता चंदे पैसे मिल जाएंगे मदरसों के लिए, ये जरूरी है। माल दौलत कमा लिया जाएगा, जमीर बिक जाएगा, ईमान तकवा खत्म हो जाएगा, लूट मार में शरीक हो जाएंगे। उन MNAs को 2-2 करोड़ अगर डेवलपमेंट के नाम पे ग्रांटें मिलेंगी तो उसमें से खुर्द बुर्द का मौका मिल जाएगा, जमातों को हराम का पैसा आ जाएगा, ये काम हो जाएंगे। उस कुव्वत नाफिजा के साथ लगने मिलनी तो नहीं आपको, यानी आप किसी को वोट ही देंगे ना, सिर्फ या इधर झूठ को वोट देंगे या इधर झूठ को वोट देंगे। अगर आपने दोनों को झूठ और दोनों को बातिल और दोनों को शर समझना है और वोट किसी को नहीं देना वोट, तो फिर न इधर से कुछ मिला न इधर से कुछ मिला, मौज करें बैठकर। फिर इस सिस्टम में तो आपको कहीं ना कहीं वोट देना पड़ता है, तो जिसको वोट देंगे वो आपको थोड़े से नोट दे देगा, यही कुछ ही होता रहा है आज तक तारीख में। इसके सिवा जो गरीब 3-4 सीटें लेके असेंबली में पहुंचे हुए उन्होंने क्या किया है? 1-2 सीटों के साथ क्या किया? ये तो है इस सिस्टम की 50 साल कारकर्दगी का लुब लुबाब, और आज वो भी एंड को पहुंच गया। लिहाजा या तो ये बात कहिए, या तो इस सिस्टम में रहकर इकामत दीन और मुस्तफ़ी इनकलाब और निजाम मुस्तफ़ा के निफाज का कोई इम्कान आज तक नजर आया होता। चलो हमारे 3 साल तजर्बे में न सही, औरों के 40 साल तजर्बे में ही कोई इम्कान दिखाई दे देता, कुछ नजर आया होता तो कम से कम सवाल का कोई जवाब भी था। तो जिस रास्ते में इम्कान ही नहीं है उस पर सोचना क्या? अब वाजे बात है और लाबुदी बात है कि कोई और रास्ता तलाश करना है। वो रास्ता तलाश कर लिया है, उस पर काम हो रहा है, और वो रास्ता बुनियादी तौर पर एक ही है कि इस सिस्टम का हिस्सा बन के इनकलाब नहीं आएगा, इस सिस्टम से निकलकर इस सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ने से इनकलाब आएगा। दो ही तरीके होते हैं। अगर एक मकान को गिराना हो और आप खुद भी उस मकान के अंदर बैठे रहें, जब मकान गिरेगा छत गिरेगी तो आप भी माशाल्लाह शहीद ही होंगे ना, और मकान भी गिरे और आप भी बचें और नया मकान तामीर करने के काबिल हों, तो यही तरीका होता है ना कि मकान से बाहर निकलकर मकान को गिराया जाता है, इमारत से बाहर निकलकर उसको गिराया जाता है। इमारत के अंदर छोटी मोटी तब्दीलियां करनी हो ना, भी किचन तब्दील कर लिया, ये रद्द बदल कर दिए, उसके अंदर उस इमारत को मजमूई तौर पे कबूल करके उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करनी हो तो फिर उस इमारत के सिस्टम के अंदर रहते हैं। और अगर आपको वो इमारत ही कबूल नहीं है और सारी इमारत को बदलना गिराना है तो अंदर रहेंगे या बाहर आके मारे गिराएंगे उसके? बड़ी सादा सी बात है।
ये सिस्टम उन लोगों को सूट करता है जो स्टेटस को मेंटेन करने वाले हैं, जो इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं। और इसी से ये आप सुन के नहीं, हर वक्त नवाज शरीफ का बयान भी सुनते हैं, बेनज़ीर का बयान भी सुनते हैं, लगारी का भी सुनते हैं, मलिक मिराज खालिद का भी सुनते हैं, हर सियासी लीडर का सुनते हैं कि सिस्टम बचाना चाहिए। ये आप अखबारों में सुनते हैं या नहीं, बोलिए कि सिस्टम बचाने पर इत्तेफाक होना चाहिए, सिस्टम बचाया जाए, सिस्टम बचाने के लिए मिलना चाहिए, सुनते हैं ना। वो सिस्टम क्या है? वो यही लूट मार का और बेईमानी का सिस्टम है। तो ये सिस्टम बचाने वाले लोग इस सिस्टम में दाखिल रहते हैं, और जो इस सिस्टम को बचाना नहीं चाहते, हम इस सिस्टम को उड़ाना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को जड़ से काटना चाहते हैं, समंदर में गर्क करना चाहते हैं, सिस्टम को भी, सिस्टम वालों को भी हम उड़ा के रख देना चाहते हैं। हम इस सिस्टम के अंदर कैसे रहें, हम इस सिस्टम के अंदर कैसे रहें? तो इस सिस्टम को उड़ाने वाले तो सिस्टम से निकलेंगे ही तो उड़ाएंगे ना। बड़ी सादा सी बात है, आपको समझा दी है। और रह गई ये सवाल कि कब उड़ाएंगे, मैंने कल आपको तफसील से बता दिया था, सब्र करें, अभी आप उड़ाने के काबिल नहीं हैं, वक्त आएगा इंशाअल्लाह, सब्र से मेहनत करनी होती है, वक्त आएगा इंशाअल्लाह, जब वक्त आएगा आप उड़ाने के काबिल होंगे, उड़ाने के काबिल होंगे। तो ये भी बता दूं, मेरी रूहानियत तो इनकलाबी रूहानियत है, जामिद नहीं है। आज इसमें दिलचस्पी नहीं थी, इलेक्शन का दिन था, आपको बुला के इतिकाफ पे बिठा लिया। जब उस जुर्म में शरीक ही नहीं है, उस काला मुंह ही नहीं काला करना करवाना, इधर आ जाओ। जब वक्त आएगा उठ खड़े होने का, और अगर वो इतिकाफ के दिन भी होंगे, मैं ऐलान करूंगा कि एक एक आदमी बैठ के वक्त सुन्नत पूरी कर दे, बाकी सारी तहरीक इतिकाफ छोड़ के इनकलाब के लिए आ जाए। फिर मैं आपसे कहूंगा कि तुम्हारा इतिकाफ इस वक्त अपनी गर्दनें कटवाने में है, फिर कहूंगा तुम्हारी 27वीं की रात इस वक्त जाबरों से लड़ जाने में, फिर इतिकाफ सड़कों पर होंगे, फिर इतिकाफ इनकलाब की शक्ल में होंगे, फिर 27वीं की रात भी वही होगी, फिर इतिकाफ भी वही होगा, सब कुछ जंग मैदान जंग में होगा, फिर बद्र उहद होगी। मगर इस वक्त जब उस काम में वो काम अभी करने का वक्त नहीं, और ये काला काम करना नहीं, आपको बुला के बिठा दिया, वो इतिकाफ करें। हम दोनों इतिकाफ जानते हैं, लेकिन कभी आपको जरा गर्मी नहीं ना दिलाते तो समझते हैं कि शायद ठंडक पड़ गई है। ठंडक नहीं है, यहां तो भांबर बचे हुए हैं, मगर अभी उसको संभाल के रखा हुआ है। आपकी तरह बेसब्र नहीं है, बस बेसब्र नहीं है सिर्फ। अगर हम भी बेसब्र हो जाएं तो फिर माजरा क्या बने, फिर काम खराब हो जाता है। तो ये सिस्टम का हिस्सा बन के नहीं, सिस्टम से निकलकर इस सिस्टम के खिलाफ बगावत करनी होगी, और इंशाअल्लाह कुव्वत नाफ़ज़ा का हुसूल होगा। वो फिर अल्टीमेटली जब ऐसी कुव्वत डेवलप हो जाती है तो वो कुव्वत खुद एक सिस्टम नया बनाती है और उस सिस्टम में अंदर दाखिल हो जाती है। दाखिल सिस्टम ही होंगे, हम सिस्टम में ही दाखिल होंगे, मगर उस वक्त वो ये नहीं होगा, इंशाअल्लाह दूसरा सिस्टम बनाया जाएगा। दूसरा सवाल था वो कि इलेक्शन में नाकामी के बाद आपने कभी नतीजा खेजी की जमानत का जिक्र नहीं किया, क्या आपने इस फलसफे से रुजू कर लिया है? हरगिज रुजू नहीं किया, इस फलसफे मेरा यकीन और ईमान है। अभी भी मैंने नतीजा खेजी की बात की है, अभी आधा मिनट पहले जो जुमले बोले हैं वो भी नतीजा खेजी के हैं, वो कायम है। मगर उसमें ज्यादा तफसीली तस्करे बाज़ औक़ात इसलिए नहीं होते कि कारकुन ऐसे नादान हैं कि उस पर थोड़ा सा जोर अगर ज्यादा साथ साथ आ जाए तो वो सालों में तयन करके बैठ जाते हैं कि शायद ये नतीजा खेजी अगले साल दिसंबर तक होने वाली है, वो फिर कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। पहले 2000 की बात समझा के मुसीबत आज तक गले से नहीं उतरी। समझ लिया कि इलाम आ गया कोई 2000 का, वो कल फिर समझाया इनको, कल अच्छी तरह समझ आ गया कि नहीं कि वो 2000 तब था अगर इलेक्शन जारी रहते, बस किस्सा खत्म। इलेक्शन छोड़ दिए, 2000 भी खत्म। अब जब अल्लाह को मंजूर होगा आएगा, मगर आएगा इंशाअल्लाह आएगा।
अल्लाह को मंजूर होने का मतलब यह है कि अब सालों का तायुन छोड़ इस चक्कर में ना पड़े, कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आए और हमारी जिंदगियों में आए, और इंशाअल्लाह आके रहेगा, इनकलाब हमारा मुकद्दर है और इस जिद्दोजहद का नतीजा पैदा होगा। अला इन हिज़्बुल्लाह हुमुल ग़ालिबून, इंशाअल्लाह ग़लबा अहले हक को हासिल हो कर रहेगा। अब जोर इस पर देता हूं कि अहले हक बनो, अहले हक बनो ताकि वो नतीजा मिले। उस दूसरी बात पे ज्यादा जोर देते रहने का नुकसान एक ये भी होता है कि लोग अपने अमल में दुरुस्तगी नहीं करते और उसका यकीन रख के बैठ जाते हैं, फिर वो समझते हैं कि करामत से इनकलाब आ जाएगा। अहले हक नहीं बनते, अहले हक होने के तकाजे पूरे नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और चूंकि नतीजा खेजी का यकीन दे दिया है अब वो इंतजार में बैठ जाते हैं कि यकीन तो दे दिया है लिहाजा अब हो ही जाना है, तो क्या जरूरत है, हम जरा कपड़ा ही बेच लें इतनी देर में, हम इस देर में कोई सौदा सूतर ही ले लें, कारोबार ही कर लें, नफा ही कमा लें, आराम ही कर लें, चलो वो तो जाना ही है। काजी साहब ने यकीनन कह दिया नतीजा खेजी, वो समझते हैं कि करामता इनकलाब आ जाएगा। इस वहम से और गलत ख्याली से निजात दिलाने के लिए अब जोर उसके पहले हिस्से पर ज्यादा देता हूं कि अहले हक बनो जिनके लिए वादा है इनकलाब का और गलबा दीन हक का और कामयाबी का, अमल दुरुस्त करो, मेहनत करो, उस पर ईमान है। तीसरा सवाल कल ही खत्म हो गया कि वर्कर्स की फिक्री बुनियादें मुतजलजल हैं और बेयकीनी का शिकार हैं, यकीन कैसे पैदा किया जा सकता है। ये और पिछले दो सवाल मिलाकर मुफस्सल जवाब कल हो गया था और ये बात तय पा गई कि ये सवाल सवाल करने वाले का वहम है और ख्याल बातिल है और इसकी कोई हकीकत नहीं। वर्करों की फिक्री बुनियादें न मुतजलजल हैं न वो बेयकीनी का शिकार है। सवाल करने वाले इक्का दिक्का जो शख्स हैं वो समझें कि उनकी अपनी परेशानी है, अल्लाह पाक उनके अपने यकीन को बहाल फरमा दे, बस वर्करों का प्रॉब्लम नहीं है। चौथा सवाल है मुतबादल निजाम का सवाल है, हम निजाम बदलना चाहते हैं। पढ़ा लिखा तबका सवाल करता है कि मौजूदा निजाम के मुतबादल आपके पास कौन सा निजाम है, ये एक सवाल है, इसका जवाब देता हूं। एक सवाल पेंडिंग रखता हूं वो आखिर पे दूंगा, एक जवाब, तीन चार जवाब पहले देने हैं, वो सादा जवाब है जल्दी समझ में आने वाले, और बाकी बुनियादी जवाब एंड पर दूंगा। पहली बात तो ये कि वो पढ़ा लिखा तबका सिर्फ हमसे ही सवाल करता है कि निजाम क्या है, नवाज शरीफ से सवाल नहीं करता, मुस्लिम लीग से सवाल नहीं करता। बोलिए, मुस्लिम लीग ने आज के दिन तक कोई मुतबादल निजाम दिया है? बोलिए, या उनके पास कोई है, या एक सफा भी किसी निजाम का प्रिंटेड है उनके पास? हर इलेक्शन में वो ऐलान करते हैं कि हम निजाम बदलेंगे और इक्तिसादी इसलाहात लाएंगे और मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। सूबा सरहद में किसी ने पूछ लिया जलसे में कि तुम जो कहते हो कि इक्तिसादी सूरत हाल हम बेहतर कर देंगे और बदलने के लिए हम इनकलाब लाएंगे, इक्तिसादी इनकलाब, बताओ उसका निजाम क्या है तुम्हारे पास? जवाब था कि मुझे वोट दो, इक्तदार में ले आओ, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। वो पढ़ा लिखा तबका वहां वफात पा जाता है, वहां सवाल नहीं करता। मेरी बात आपकी समझ आई है? यानी मेरा जवाब यह है, एक कि मुस्लिम लीग के पास कोई मुतबादल निजाम है, वो पढ़े लिखे उस वक्त कहां जाते हैं, वो सिर्फ आप ही का दरवाजा खटखटा के पूछने आते हैं कि जरा निजाम देना, ये ज़हनी मरज है, इससे निजात पा जाएं। ये कम हिम्मती बुजदिली है, अपने आप को कमतर समझना है, ये डिप्रेशन है, निकले इससे। नंबर टू, वो पढ़ा लिखा तबका बेनजीर साहबा से सवाल नहीं करता जाके, पीपल्स पार्टी से, जो माशी इनकलाब और गरीबों का मुकद्दर करने बदलने वाली जमात है। 40 साल में भुट्टो ने कोई जो भी टूटा फूटा एक निजाम एक तसव्वुर दिया था वो गया, वो छोड़ गए, अब 20 साल गुजर गए इस बात को, बेनजीर साहबा की जब से क्यादत आई और पीपल्स पार्टी के पास आज के दिन तक कोई निजाम है, कोई निजाम छापा उसने? बोलिए, कोई प्रिंट किया? वो पढ़ा लिखा तबका वहां तशरीफ नहीं ले जाता उनसे पूछने के लिए? हाँ, ये अच्छा जवाब है, निजाम तो उनके माहिर से आ जाते हैं, उनके निजाम अब IMF बना के उनको दे देता है उनसे नहीं जाके पढ़ा लिखा तबका पूछता। ये सवाल करने वालों को मैं
सवाल करने वाले से मुखातिब नहीं हूं बेटे, जिसने किया उसको जवाब दे रहा हूं ताकि जिससे उसने पूछा उसको इस जबान में बात करें। हमेशा एक उसूल याद रखें और यह मेरा जिंदगी का उसूल है, कभी सवाल से मरूब ना हो, याद रख लें इस बात को, कभी सवाल से मरूब ना हो। मैं आपकी तरबियत कर रहा हूं इस बात, और सवाल को अपने ऊपर तारी ना करें। जितना कोई बड़ा से बड़ा मुश्किल सवाल करे उसको शरबत समझा करें, बड़ी खंदा पेशानी से लें और तहम्मुल के साथ गौर करके जवाब दें। सवाल और एतराज का मतलब यह नहीं होता कि आप में कमजोरी है। किसी ने सवाल कर दिया, किसी ने एतराज कर दिया, सवाल और एतराज हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि यह आपके अंदर कमजोरी है। उसकी खराबी हो सकती है जहन की, उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, वो आपके आसाब को नापना तोलना चाहता है। यह सवाल कोई मुझसे करके देखे, आपसे क्यों करते हैं? जो करे उन्हें आए चले भाई, आपको कायद के पास ले जाते हैं, निजाम तो उन्होंने देना है, उनसे पूछिए। अभी मुझसे हो गया ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि वो सवाल करने वाले को लाड़काना नजर नहीं आता। वहां जाए पीपल्स पार्टी से पूछे, आपने मुतबादल निजाम माशी इनकलाब का, गरीबों का मुकदर बदलने का कहां है आपके पास? और वो तो तीसरी बार इकतदार में आने की एफर्ट कर रहे हैं, दो बार हुकूमतें दो दो बार कर चुके हैं, अब तीसरी बार आने की कोशिश में है। उन्होंने किस दौरान बड़ा काम कर लिया होगा, वो काम कहां है उनका? दो आ गया ना, अब आगे आइए। अगर आपका ख्याल है कि नहीं जी वो बड़ा संजीदा तबका है पढ़ा लिखा, वो ना मुस्लिम लीग से जाके पूछता है और ना पीपल्स पार्टी से पूछता है, अगर बड़ा ही संजीदा तबका है तो पकड़ के टांगे में बिठा के मंसूरा ले जाए, उसे कहें जमात इस्लामी से भी पूछो तुम्हारा मुतबादल निजाम कहां है, इतना ही संजीदा है। तो वो पढ़ा लिखा तबका वहां जाके नहीं पूछता, उनको सिर्फ मिनहाजुल कुरान और हमारा दरवाजा नजर आता है। मेरा जवाब इन बातों पे खत्म नहीं होगा, मैं अगले जवाब पर भी आऊंगा। मैं अब आपको रास्ते में लेके चल रहा हूं, मंसूरा ले जाए, उन्हें कहें वहां से जाके पूछे। ये आसानी से इस तरीके से बात समझ आ, ये तरीका कयूमिया है, मुफ्ती अब्दुल कयूम खान साहब वाला तरीका है, ये वो इसी तरह के जवाब देते हैं कि नहीं हैं? ऐसे तरीके से बात उम्र भर याद रहती है क्या? अब ये जिंदगी भर इस सवाल का जवाब आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, और रासिख भी रहेगी बात। तो जमात इस्लामी से पूछे, 50 साल हो गए आज भी उनके मंशूर दस्तूर छपे हुए हैं, को मुतबादल निजाम वो भी दे दें, दावा तो हर कोई कर लेता है ना, एक प्रैक्टिकल वर्केबल इंप्लीमेंटेबल एनफोर्सेबल सिस्टम उनके पास क्या है? हर सारी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कहां है उनका निजाम? MQM कराची में हिस्सा लेती है कि गरीब समाजी स्ट्रक्चर बदलेंगे, कहां है मुतबादल निजाम की? सारे पाकिस्तान की जमातें जो इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, अभी इमरान खान तशरीफ लाए हैं इलेक्शन में, उनसे पूछने जाके कहां निजाम? अखबार 100 बार बता चुका है कि उसके पास निजाम कोई, किसी के पास निजाम कोई नहीं। क्या? और अगली बात बताऊं, निजाम नहीं और निजाम देने की सलाहियत भी नहीं, निजाम देने की सलाहियत भी नहीं। अब एक बात ज़िमनन इस जुमले से जोड़ खाती है, वो बात वो मैं कह दूं, और वो अल्लाह की तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूं। क्या? तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूं, ना निजाम उनके पास है ना सलाहियत है। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मेरी बात को पकड़ लें, पकड़ लें मेरी बात को, अल्लाह की तौफीक कायम रहे। मैं हाथ जोड़ के अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करता हूं उसकी तौफीक। हुजूर सलाम के नाले ने पाक का सदका कायम रहे, ये बात अपने वर्करों के इत्मीनान कल्ब और ईकान के लिए कहता हूं। उनके पास ना निजाम किसी जमात के पास है ना देने की सलाहियत है, मगर एक बात बताता हूं, इन सारी जमातों के सरबराहों को पकड़ लें, मुझे भी उस सफ में खड़ा कर दें, इन सारी जमातों के सरबराहों को पकड़ लें। जितनी जमातें मैंने गिनी और जो बकाया रह गई, सारी जमातों के दीनी सियासी मजहबी सेकुलर छोटी बड़ी के सरबराहों को पकड़ लें, उनके साथ एक असिस्टेंट ना बैठाएं, सिर्फ कागज और कलम दे दें, एक महीने की मोहलत दे दें, मुझे भी उस सफ में बैठा लें और देखें कि महीने के बाद पूरी रियासत का मुकम्मल निजाम बना के कौन बाहर निकलता है। अगर
اگر آپ کا یہ خادم اگر آپ کا یہ خادم بغیر کسی دوسرے شخص کی معاملت کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورا نظام ریاست کا بنا کے باہر نہ نکلے تو تلوار سے سر قلم کر دینا. اور ان جماعتوں کے سربراہوں کی نتیجے بھی دیکھ لینا, ان جماعتوں کے سربراہوں کے قلم کاغذ بھی دیکھ لینا کہ کتنا نظام بنا کے لاتے ہیں, کتنا نظام بنا کے لاتے ہیں. یہ میں خدا کے گھر میں قسم کھا کے آپ کو بات کی, ہمیں اس میں کوئی تشویش نہیں ہے. جب ضرورت ہوگی جس جس نظام کی ضرورت ہوگی وقت آئے گا, دنوں کا معاملہ ہے, سب کچھ یہاں محفوظ ہے. جب چیلنج کیا تھا سودی نظام کے حوالے سے پچھلی حکومت میں, حکومت نے کہ بغیر سود کے ورکنگ سسٹم, تھیوری نہیں ورکنگ سسٹم دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا کہ جس سے بینک چل سکے. بتائیے مشرق سے مغرب تک پورے کا پاکستان میں کوئی بولا تھا؟ کسی نے 2 صفحے اور 8 صفحے کا کتاب چا بھی دیا تھا ورکنگ سسٹم پر؟ اس سرزمین پاکستان پر آقا کے غلاموں میں سے کس جماعت کو اور کس تحریک کو توفیق ہوئی تھی اور کس مرکز کو توفیق ہوئی تھی کہ حضور کے دین کی نوکری کریں اور اس چیلنج کا جواب دیتے ہوئے ورکنگ سسٹم لے کے میدان میں آ جائیں؟ کس نے پیش کیا تھا؟ ہم نے پیش کیا تھا, مشن نے پیش کیا تھا, منہاج القرآن نے پیش کیا تھا. میں آپ کو دو الگ ذاتیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہیں. میں نے دیا تو آپ نہیں دیا نا, وہ آپ نہیں دیا, تحریک منہاج القرآن نے دیا تھا. اور آج کے دن تک اس کو علمی بنیادوں پر کوئی رد کر سکا؟ کسی نے کہہ دیا ہو کہ یہ ورکیبل نہیں ہے؟ چیلنج کیا کسی نے؟ اور یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کہ ٹی وی کا چینل کھول دیں 3 گھنٹے, جتنے ماہرین سود کے چاہے بلا کے ڈیبیٹ کروا لیں؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اگر اس بات میں صداقت اور وزن نہیں تھا تو یہ کام کر دیتے, ٹی وی پہ بٹھا دیتے, ایک ہی نشست میں سارا قصہ تمام ہو جاتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. تو جب نظام دینے کا وقت آتا ہے, ہم نے دیا ہے اور ہم دیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی سارا کا سارا نظام بدلنا ہے. جو چلنے والے نظاموں میں جزوی تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں, ہر چیز کفر کے نظام کی نہیں ہے. یہاں الیکشنیئرنگ سسٹم بدلنا ہے, پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلیاں لانی ہیں. مثلا عدالتی نظام آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے اٹھا کے کوئی سمندر میں نہیں پھینک دینا کہ نیا نظام لانا ہے, تھوڑی تبدیلیاں درکار ہیں. وہ کیا کیا ہیں وہ سب ذہن میں ہوتی ہیں. معاشی اور اقتصادی طور پہ چند چیزیں درکار ہوتی ہیں, وہ ذہن میں ہیں, لکھی ہوئی بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کام 1 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے. اب یہ ان کی باتیں ہیں کہ جو ٹیمیں بیٹھے اور نظریاتی کونسل بیٹھے, اب تمہاری اپنی صلاحیت اور تمہارا سرمایہ ہم کیا کریں کہ تم اگر 100-100 آدمی بٹھاؤ اور 10-10 سال وہ لگے رہے اور تمہارا نظام نہ بنے تو وہ تمہارا کام ہے. ہم تو 1 مہینے میں بتاتے ہیں کہ 1 مہینے میں سارا ہو سکتا. اس کی مثال اس طرح ہے, یہی یہ آپ کے سامنے گراؤنڈ ہے جو ایل ڈی اے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا, اس کی 4 دیواری جو بنائی تھی جنگلے کے ساتھ. خیر ابھی کام مکمل نہ ہوا تھا, جتنا ہو گیا تھا ہمارے لوگوں کے 2.5-3 لاکھ روپے کے قریب خرچ آئے تھے صرف. کتنے؟ حاجی ریاض صاحب بتا رہے تھے مجھے اور حاجی سلیم صاحب کو 2.5-3 لاکھ کے لگ بھگ خرچ آیا تھا ساری 4 دیواری کا, جتنی بنی تھی. ابھی تھوڑا سا اور زیادہ آتا, یعنی مکمل نہیں ہوا تھا کام. اس کے بعد اندر کام کرتے تو 10-15-20 لاکھ, اس کو مکمل مینٹین کرنے اور شاندار گراؤنڈ ڈیولپ کرنے میں شاید اور لگ جاتا. تو اگر مکمل کام کرنا ہوتا تو شاید ہم 20-25 لاکھ کے اندر مکمل کام کر دیتے. اب میں نے سنا ہے, اللہ بہتر جانے, یہ روایت ہے مجھ تک پہنچی ہے. آپ نے بتائی تھی؟ کس نے بتایا؟ حاجی الیاس صاحب نے بتایا. یہ روایت ان کی ہے, میں انہی کی گردن پہ ہی ڈالتا ہوں. اور وہ ویسے یوں ہی سنی سنائی افواہ کی بات کرنے والے آدمی نہیں ہیں. وہ متعلقہ جو ڈائریکٹر جنرل ہے متعلقہ دفتر سے معلومات لے کر آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ اب اسی سارے کام کے 4 دیواری جو بنی ہے بن رہی ہے اور اندر 1.5 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے, 50-50 لاکھ روپے کے 3 ٹھیکے ہوئے. ہم نے جو 2.5-3 لاکھ میں کر لیا تھا اور 1.5-2 لاکھ اور لگ جاتے, 5 لاکھ میں جو مکمل ہو جاتا, وہ 50 لاکھ کا ٹھیکہ ہوا ہے. بھئی یہ نظام اسی طرح ہی بنتے ہیں.
जो काम 2.5 लाख में होने वाला होता है वो 50 लाख में होता है। मतलब ये है कि जो निज़ाम या जो काम 1 महीने में करने वाला होता है उस पर 10 साल 20 साल लगते हैं और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, पैसे खाए जाते हैं, हराम खोरी का निज़ाम है और कुछ नहीं। जब ये ईरान ये इनकलाब आया इधर जहाद अफगानिस्तान के नतीजे में, तो प्रेसिडेंट थे सिबगतुल्ला मुजद्दिदी, ये कुछ अहबाब जो साथ मेरे गए थे वो गवाह बैठे हैं, साथ जाने वाले पिशावर से जो गए थे वो गवाह बैठे हैं। उनके प्रेसिडेंट हाउस में प्रोफेसर सिबगतुल्ला मुजद्दिदी और उनकी कैबिनेट थी, उनको जाके मैंने ऑफर की थी अपने डेलीगेट के साथ कि चूंकि जिहाद आप जीते हैं, कामयाब हुआ और इनकलाब आया है, अगर आपको पूरी की पूरी स्टेट के लिए इस्लामिक सिस्टम चाहिए तो मेरी खिदमात हाजिर हैं, 1 महीने में आपको बना के दे देता हूँ। मैं खुद उनके प्रेसिडेंट हाउस में उनको दावत दे के आया था। अब अगर वो कह देते कि बना दें तो क्या ना बना देता, मुल्क छोड़ के भाग जाता, आप जीना नहीं था, या जुबान से दावत दी थी। आज भी आपको कह रहा हूं, यूं ही नहीं कोई कह दे अच्छा जी बना दे, अच्छा जी बनाने का वक्त आएगा तो फिर जब मर्जी आएगी रिटर्न देंगे। इस वक्त अगर इस अमल का जायजा लेना हो तो मैंने बात कह दी, सारे सरबरा भी निजाम अगर बनाने बैठे तो आपको बना के दे देते। लेकिन जो बात करने वाली है वो ये, 90 के इलेक्शन में आपको याद होगा हमने जरूरी मुख्तलिफ निजामों के बुनियादी खाके दिए थे, अपने मंशूरों में छापे थे, उस वक्त हमने खाके दे दिए थे, 90 के इलेक्शन में भी हमने दिए थे, और खाली किसी और जमात ने इक्का दुक्का कोई हल्का फुल्का दिया होगा। सबसे ज्यादा इलेबोरेट मजदूरों के लिए, मजदूर और मुजारेन के लिए, खवातीन के लिए, नौजवानों के लिए, मुलाजमीन के लिए, पुलिस के लिए, इंडस्ट्री और इक्तिसादियात के लिए, हमने 8-10 मुख्तलिफ इशूज़ पर सिस्टम्स के बुनियादी खाके मुख्तसर करके छापे थे। पढ़ने वाले को एक आइडिया हो जाता था कि पूरे सिस्टम के क्या खाके इनके पेश नज़र है। हमने उस वक्त भी दिए थे, वो सब मुकम्मल नहीं थे मैंने आपको फिर कहा, मगर वो एक रिफ्लेक्शन थी। अगर नज़ारा देखना है तो जो बिलासूद बैंकारी का जिस तरह एक पूरे इक्तिसादी और बैंकिंग के शोबे पर जिस तरह दिया, अल्लाह का शुक्र है जिस जिस शोबे का मतलूब होगा वो दिया जा सकता है। लेकिन कब देंगे, जब हम इस मैदान में आने की ज़रूरत होगी, जब प्रॉपर टाइम आएगा इंशाअल्लाह बना देंगे उसको। अब एट प्रेजेंट ज़रूरत नहीं, हम इस वक्त तालीमी इनकलाब की जंग लड़ रहे हैं, हम इक्तदार की जंग इस वक्त नहीं लड़ रहे, हम इलेक्शन में नहीं हैं। किसको बना कर दें, बना के दें और छाप लें। इस मुल्क में हर काम की नक्काली होती है, नाफिज किसी ने कुछ नहीं करना, नाफिज किसी ने कुछ नहीं करना। यहां आप एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं, अगली जमात उसी पॉलिसी को ज्यादा वसायल खर्च करके अपने नाम से चल पड़ती है, तो कारकुन कहते हैं देखो जी हमने तो सिर्फ अनाउंस की, उन्होंने अमल शुरू कर दिया। होता है कि नहीं ऐसा, किस मकसद के लिए? ये इसमें तमाशा बन जाता है, ये मुफ्त में तमाशा बन जाता है, और कल को उसकी इफादियत नहीं रहती। जब वक्त आने पर आप पेश करते हैं तो आप ही का दिया हुआ फिक्र, आप ही का दिया हुआ निज़ाम, आप ही की दी हुई रोशनी, 8-10 लोग उसको अपने तरीके से रद्द बदल करके छाप चुके होते हैं, जब वक्त आता है आपका पेश करते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो फलाने भी दे दिया। अब किसको क्या पता कि फलाने कहाँ से लिया, ये तो फलां भी दे चुका है, ये फलां भी दे चुका है। ये इस मुल्क में इतनी बद्यांती और खयानत है, बाहर के मुल्कों में तो एक माचिस का ट्रेडमार्क भी नकल कोई नहीं करता, एक माचिस और सिगरेट का ट्रेडमार्क भी नकल कोई नहीं करता, यहां तो पूरे के पूरे प्लान नकल हो जाते, नकल होने तक भी कोई नुकसान नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जब आप पुटअप करते हैं, आगे वक्त पर पेश करते हैं, तो वो इतनी जालसाजियां, इतने लोग उसको मुख्तलिफ एडिशन बना के पेश कर चुके होते हैं कि कौम कहती है जी आपने कौन सा नया दे दिया है, कौम फिर नया मांगती है, वो कहती है तो फना फना दे चुके हैं, लिहाजा जब देने का वक्त आएगा इंशाअल्लाह देंगे, आप इसमें कभी फिक्र ना रखा करें, कोई मायूसी ना रखा करें। यह जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है, जब वक्त आएगा देंगे। इस वक्त कोई आपसे पूछे तो उसको पहले वाले जवाब दिया करें कि इस वक्त तो जो इक्तदार के लिए बढ़ रहे हैं जरा उनसे जाके पूछिए कि निजाम क्या है, हमारी बारी जब आएगी तब हमसे सवाल कर लें। निजाम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि वोट कौम निजामों पर दे रही है
आखिरी बात, इस वक्त जो वोट पड़ रहे हैं वो निजाम पर पड़ रहे हैं, लोगों का निजाम छपा हुआ देखकर लोग वोट दे रहे हैं। यहां तो अब मंशूर ही को नहीं देखता, किसी जमात का मंशूर भी है या नहीं, किसी जमात का दस्तूर भी है या नहीं, सिरे से वो भी कोई नहीं देख रहा। यहां तो एक शख्सियतों की जंग चल पड़ी है, जमातों की धड़े बन गए हैं तो लोग वोट दे रहे हैं। इस निजाम के साथ वोटों का या कुव्वत मुक्तदिरा में आने का और कुव्वत नाफिजा हासिल करने का, या भी हम आपको वोट तो तब दें या आपके साथ लग जाएं कि अगर आपके पास निजाम हो तो, जिनके साथ लगे हुए हैं वो निजाम दिखा के लगाया उन्होंने अपने साथ, वो खुद भी तो लगे हुए हैं ना किसी के साथ, वो उनका निजाम देखकर लगे हुए हैं, यानी जिनके पास अपनी जमातों का भी निजाम कोई नहीं सिरे से उनके साथ लगे हुए हैं। कईयों के पास दफ्तर ही नहीं है, कईयों के पास जमाती दस्तूर ही नहीं है, कईयों के पास मंशूर नहीं है, और कईयों के पास दो चार समों के मंशूर हैं तो सिरे से ऊपर से नीचे तक जमात का कोई नज्म ही नहीं है सिरे से, ना नज्म ना निजाम, लोग उनके साथ हैं। लिहाजा मैंने एक लफ्ज बोला, ये डिप्रेशन में ना आया करें, खुद एतमादी पैदा करते हैं अपने अंदर, क्या खुद एतमादी कारकुन बनते हैं, कारकुन बनते हैं। और मैंने कई छोटी जमातें छोड़ दी, कई सिपाहें हैं, कई जमीयतें हैं, कई तहरीकें हैं, कई जमातें और हैं छोड़ दी, मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने दो चार मोटी मोटी जमातों का नाम ले लिया। आप जिसके यहां जाएं लोग उनके साथ उनके निजाम देख के लगे हुए, दावत फिक्र पर दी जाती है, याद रखिए दावत फिक्र पर दी जाती है, प्रोग्राम पर दी जाती है, दावत मबनी पर फिक्र होती है, फिर उसके बाद अपना किरदार रखा जाता है, यह सारा निजाम है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जमात के निजाम को पेश नजर रखा जाता है। यह दूसरा चैप्टर था। तीसरा था इत्तेहाद उम्मत का एक सवाल। किसी ने सवाल किया है कि इत्तेहाद के जरिए इनकलाब आएगा या इनकलाब के जरिए इत्तेहाद आएगा, वजाहत फरमाए। मैं तो इत्तेहाद की कोशिशें कर करके और इत्तेहाद के हालात का दीनी मजहबी कुव्वतों के अंदर जायजा ले लेकर इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि अब इत्तेहाद इनकलाब के बाद ही आएगा। अब जिन साथियों ने सवाल किया है या जिस सिम से ये सवाल आया, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा वो ये सवाल करना छोड़ देंगे, मैंने जवाब दे दिया। क्या अब इत्तेहाद के जरिए इनके इत्तेहाद होगा ही नहीं, इनकलाब जाएगा जी? अब ये इनकलाब के जरिए इत्तेहाद आएगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, छोड़िए, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये एक ऐसा टची सवाल है कि इसका जवाब देने को बड़ा जी करता है मगर औरों के पर्दे उठते हैं, वो गुनाह की बात है, मैं करना नहीं चाहता, हमारा अखलाक और किरदार जेब नहीं देता। महदूद सा हल्का हो, 8, 10, 15, 20 साथियों का तो आदमी बात कर लेता है, अब ये हजार हर लोगों को बताएं, लोग कहेंगे देखो जी दूसरी जमातों के कायदीन को बुरा भला कहा है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, वरना बड़े जवाब हैं इसके देने। आप इत्तेहाद की बात करते हैं, यहां हमारे किसी एक मेहमान ने हमारे इस वक्त एतिकाफ में मौजूद किसी बैरून मुल्क के आए हुए मेहमान ने, बैरून मुल्क ने किसी एक जमात के दीनी जमात के सरबरा से मुलाकात करनी थी और उसने उनको पैगाम पहुंचाया कि मैं यहां आया हुआ हूं, और वो भी उनके दोस्त हैं जैसे हम दोस्त हैं, जिनसे मुलाकात करनी है वो भी उनके उसी तरह दोस्त हैं जैसे हम दोस्त हैं। उन्होंने सिर्फ ये ख्वाहिश की, आज तीसरा दिन है चौथा दिन, कि सिर्फ मेरी टेलीफोन पर बात हो जाए। बेटे टोटल कितने टेलीफोन अब तक हो चुके हैं, इस वक्त तक उनको बैठाकर 6 टेलीफोन हो चुके हैं और फैक्सें भी हो चुकी हैं, क्या 6 टेलीफोन हो चुके हैं और फैक्सें भी हो चुकी हैं, वो सिर्फ टेलीफोन पर उनसे गुफ्तगू करना भी गवारा नहीं फरमा रहा। मैं क्या बताऊं आप, ये एक ऐसी दर्दनाक बात है कि आप इसको नहीं छेड़े तो बेहतर है। यानी टेलीफोन पर बात सुने, टेलीफोन पर आकर मुझसे नहीं, उस मेहमान को जो हमारे पास आया हुआ है,
और जो उनका दोस्त भी है उससे जी उनसे फकत टेलीफोन पर गुफ्तगू गवारा नहीं कर रहे। और वो उनको मुद्दत हो गई उनकी दावत पर जाते हुए और होटलों में रहते हुए और उनके उनकी दावत से यानी इज्जतें पाते हुए और वो उनकी बड़ी इज्जत अफजाई करते करवाते जिंदगी गुजर गई। अब वो शायद अब भी नहीं मुमकिन होगा क्योंकि अब पता चल गया वो मिनाजुल कुरान के पास आ गए। अगर वो यहां ना आए हुए होते नहीं यहां आए हुए ही ना होते और पता होता कि मिनाजुल कुरान आके उन्होंने नहीं देखा एतिकाफ का मंजर नहीं देखा मिनाजुल कुरान की कारकर्दगी का जायजा नहीं लिया बिल्कुल दूर होते देखे बगैर फिर जरूर मुलाकात हो जाती क्योंकि उस सूरत में जो वो चाहते बता सकते थे जो चाहते बता सकते थे। अब इसलिए मुलाकात मुमकिन नहीं रही कि अब वो जो चाहें ना बता सकते हैं ना ये मानेंगे क्योंकि सब कुछ आंखों से देख कर जा रहे हैं। आप किस इतिहाद की बात करते हैं और किन से इतिहाद की बात करते हैं? अल्लाह माफ कर दे दज्जाल आएगा तो मुत्तहिद कर देगा इनको इनकलाब आएगा और शायद तलवार मुत्तहिद कर देगी। कुछ शहादतें चाहिए शहादतें उसके बाद इत्तेहाद हो जाएगा। ये खुदा के लिए ये मैंने आपको बड़ी दुख की चंद जली बातें कह दी इसके पीछे बड़ी दास्तानें हैं इसके पीछे बड़ी दास्तानें हैं। 5-6-7 साल की एफर्ट्स हैं 7 साल की एफर्ट्स कितनी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। इत्तेहाद की आगे एक जगह सवाल भी है कि आपने इत्तेहाद के लिए कितनी कोशिशें की या क्या काविशें की। मैं एक मिसाल देता हूं किसी जमात के सरबराह हैं जब आपको याद है कि इश्तराक अमल की कोशिश शुरू हुई थी जी और अल्टीमेटली उसमें तहरीक जाफरिया ने हमारे साथ इश्तराक के लिए कदम बढ़ाया था और एक तहरीक इस्तिकलाल भी आ गई थी साथ सियासी जमातों में से। उस वक्त हर मजहबी और दीनी जमात के साथ इत्तेहाद की कोशिश बयक वक्त हुई थी। तहरीक जाफरिया के साथ अकेले नहीं किया था बल्कि इनसे भी पहले उसी वक्त हर दीनी मजहबी और जो ज्यादा हम ख्याल और करीब जमातें हैं उनसे ज्यादा इनकी तरफ तो खाली खत भेजे थे और बाकियों की तरफ तो बड़े बड़े उलमा के और नुमाइंदगान के वफूद भेजे थे। और मैंने खुद टेलीफोन पर भी बातें की थी ताकि मुलाकात करके टाइम मुलाकात का लेकर उनसे गुफ्तगू करूं। एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी दीनी मजहबी जमात के सरबराह हैं जिनका जिक्र हो रहा है उनसे मैंने खुद टेलीफोन पर बात की इकट्ठे होने के लिए। अच्छा सब ने जवाब दिया यानी वापस जवाब ही नहीं भेजा पे दर पे रबते किए जिनसे जाके लोग मिले उन्होंने इनकार कर दिया जिनको खत गए जवाब नहीं दिया जिनको फोन गए टाल दिया। जिन जमातों के सरबराहों से बड़ी मुश्किल की कोशिशों के बाद मुलाकात मेरी हो सकी 2-2, 3-3 नशिस्तें हुई उन्होंने भी धुला हुआ जवाब दे दिया कि हम तो जी फुलां के साथ काम करने का इरादा रखते हैं और दीनी जमातें को तो कोई चांस नहीं है जवाब। ये मैंने आपको 90 से भी पहले की बात बता रहा हूं 90 से भी पहले 99 की बात बता रहा हूं तब से कोशिशें शुरू की थी टाल दिया कोई रिस्पॉन्स ना आया। इनका रिस्पॉन्स आ गया हमने कहा चलो जिनका रिस्पॉन्स आया आगाज तो कर दें इब्तिदा हुई। उसी जमाने में फिर खुशकिस्मती से फोन मिल गया मेरा किसी एक बड़ी जमात के सरबराह से बड़ी भी जो कागजों पर बड़ी होती है सरबराह से बात हो गई। मैंने रिक्वेस्ट की अब जवाब सुने जरा उन्होंने कहा कि हम आपके साथ यकीनन सोचते हम इकट्ठा इत्तेहाद के लिए इकट्ठा होने पर यकीनन सोचते मगर चूंकि अब शिया लोग आपके साथ मिल गए हैं तो ये तो काफिर हैं ये तो गैर मुस्लिम है ये तो मुमकिन ही नहीं कि शिया भी हों और हम भी इकट्ठे हों इसलिए अब तो रास्ते जिंदगी भर के लिए बंद हो गए जिंदगी भर के लिए रास्ते बंद हो गए। वो जिंदगी भर के लिए रास्ते बंद करने वाले मिल्ली यज्ञती कौंसल में भी वही शियों के साथ मिले और जो 5 रुकनी जो जमाती इतिहाद नहीं मजहबी बना जो शिकस्त और रेख का शिकार हो गया उसमें भी वो भी शरीक और वो शिया भी शरीक। जब खुद बनाया तो शिये साथ हैं जब किसी और ने बात की तो चूंकि शिये साथ हैं लिहाजा क्यामत तक रास्ता बंद हो गया। आप किस इतिहाद की बात करते हैं और किस किरदार की और किस फिक्र की और किस नजरिए की बात करते हैं? मैंने कहा ये इतने बड़े दुख की बात है जितना मैं समझ चुका हूं शायद
मैं बयान नहीं कर सकता बस, यानी मैं इशारे में पर्दे में कुछ बातें इशारे के तौर पे आपको दे रहा हूं, आप ये तवक्को छोड़ दें, अल्लाह पाक माफ कर दे। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि चोर चोरी के मकसद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, डाकू डाके के मंसूबे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, स्मगलर एक वसी पैमाने पर स्मगलिंग का मंसूबा करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, लुटेरे इकट्ठे हो सकते हैं, हत्ता के नवाज शरीफ और बेनजीर मुल्क को मिलकर लूटने के लिए भी किसी वक्त इकट्ठे हो सकते हैं, मगर जिनको इकट्ठा करने की तवक्को आप रखते हैं ये इकट्ठा नहीं होंगे। तलवार आएगी, जब नजर आएगा कि अब शहादत करीब है तो तब शायद इनके सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक बात। अब यहां एक दूसरा रुख भी है, यहां एक आप कहेंगे इकट्ठे तो होते हैं, मिली यकजहती काउंसिल में भी इकट्ठे हो गए। अब मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूं, इसमें जो तीन जमातें सारी जो आ गई हैं ना, वो सारों का जिक्र इकट्ठा मैं कर रहा हूं। एक सवाल खुसूसी जमात इस्लामी से मुतालिक भी है, तो मैं किसी एक जमात का नाम लेकर जवाब नहीं देना चाहता, मैं इज्तिमाई जवाब दे रहा हूं। अब दूसरा रुख इसमें ले लें, वो जो इकट्ठे होते रहे मुख्तलिफ वक्तों पर, उनके इकट्ठे होने का हाल यह है कि बस सरबरा इकट्ठे होते हैं, नीचे कोई इकट्ठा नहीं होता। बहुत बड़ा धोखा है वो पूरी कौम के साथ, एक मुनाफिकत है, एक दजल है, एक फरेब है। कौम के साथ भी धोखा है और अपने वर्करों के साथ भी धोखा है। वो सिर्फ खुद इकट्ठे हो जाते हैं, 5 या 7 या 10 या 12 उधर भी इकट्ठे होते हैं, इधर भी, वो तीन तीन जगह इकट्ठे होते हैं, तीन तीन यार बनाए हुए होते हैं। आपने मिली जीती कौंसिल का तमाशा नहीं देखा? बयक वक्त नवाज शरीफ के साथ भी ताल्लुक है और यकजहती काउंसिल में भी हैं, और थोड़ा सा उनमें बेनजीर के साथ ताल्लुक रखने वाले भी हैं और यकजहती काउंसिल भी है। ये इकट्ठा होना क्या हुआ? वो उधर खींच ले जाना चाहते हैं, वो उधर खींच के ले जाना चाहते हैं, वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये इकट्ठे भी हैं और इकट्ठे नहीं भी है। होते हैं तो इतने मजाक खेज तरीके से, वो क्यों? आपकी गालियों से, लानत मलामत से बचने के लिए, तान और तशरीह से बचने के लिए कार्रवाई कर लेते हैं। उसमें किसी एक आध जमात का जो बहुत तेज होती है उसका फायदा होता है, वो जरा मेहनत करके इकट्ठा कर लेती है, उसको पता है कि ये फायदा इकट्ठे होने का, और तो किसी को जाना नहीं, मैं ले लूंगी। उसमें किसी एक आध जमात की कारकर्दगी होती है, और जब उसका मकसद पूरा नहीं होता वही हाथ दिखा जाती है, खड़े चौक पर खड़े हाथ छोड़कर हाथ दिखा जाती है। इकट्ठे होने वाले इकट्ठे होने पर रोते रह जाते हैं। इकट्ठा होना इस तरह का होता है, इकट्ठा होना जब कुलूब हम शक्ता, दिल जुदा होते, उनके मदरसे इकट्ठे नहीं होते। मैं आगे आऊंगा इत्तेहाद का हम क्या समझते हैं मकसद। उनके मदरसे इकट्ठे नहीं होते, उनके तालिबे इल्म इकट्ठे नहीं होते, उनके पैरोकार इकट्ठे नहीं होते, उनके अकीदतमंद इकट्ठे नहीं होते, उनके वर्कर इकट्ठे नहीं होते, उनके मानने वाले कोई इकट्ठा नहीं होता नीचे तक। नीचे फतवे भी चल रहे हैं, क्या फतवे भी चल रहे हैं, मुखालफतें भी हैं, अदावतें भी हैं, मकामी शहरी सतह पर आपस में सारा माहौल वही रहता है। ऊपर अखबार के दिखाने के लिए और टीवी की खबर के लिए इकट्ठे मिल बैठते हैं। ये इकट्ठा होना अगर इसका नाम इत्तेहाद है तो हम इस इत्तेहाद से बचे हुए ही बेहतर हैं। ये मुनाफिकत और धोखाबाजी है कि जब वो इस तरह का इकट्ठा होकर फूटते हैं, क्योंकि हर बार इकट्ठे होकर फूटे हैं, तो कौम अगर एक गाली देती थी तो फिर 10 गालियां देते हैं। आप चाहते हैं कि इस गंध में हम भी क्षमा हो और हम भी गालियां खाएं? कौन सा ये गंदगी है। हम समझते हैं इत्तेहाद वो जो दिल के इत्तेहाद है, जिसमें दिल इकट्ठे हो जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक, कायद से लेकर वर्कर तक सब इकट्ठे हो जाएं और दिलो जहां से इकट्ठे हो जाएं, दरमियान में कोई मुनाफिकत मुगायरत और मुनाफिरत की कोई दीवार न रहे, यक जान यब तालिब होकर अल्लाह के दीन के लिए लड़े मरे, उनका जीना भी एक हो मरना भी एक हो। हम तो इस इत्तेहाद के कायल हैं। ये अभी नहीं हो सकता, ये अभी मुमकिन नहीं है। बकाया जो इत्तेहाद के नाम पर हो रहा है वह धोखा और फरेब है। अभी आपने हाल ही में दो देखे, यकजहती काउंसिल भी देखी और पंच जमाती इत्तेहाद दो देखे ना, हाल ही में देखे दो ताजा। मैं आगे आऊंगा इत्तेहाद का हम क्या समझते हैं मकसद। उनके मदरसे इकट्ठे नहीं होते, उनके तालिबे इल्म इकट्ठे नहीं होते, उनके पैरोकार इकट्ठे नहीं होते, उनके अकीदतमंद इकट्ठे नहीं होते,
उनके वर्कर इकट्ठे नहीं होते, उनके मानने वाले कोई इकट्ठा नहीं होता नीचे तक। नीचे फतवे भी चल रहे हैं, क्या फतवे भी चल रहे हैं, मुखालफतें भी हैं, अदावतें भी हैं, मकामी शहरी सतह पर आपस में सारा माहौल वही रहता है। ऊपर अखबार के दिखाने के लिए और टीवी की खबर के लिए इकट्ठे मिल बैठते हैं। ये इकट्ठा होना अगर इसका नाम इत्तेहाद है तो हम इस इत्तेहाद से बचे हुए ही बेहतर है। ये मुनाफिकत और धोखाबाजी है कि जब वो इस तरह का इकट्ठा होकर फूटते हैं, क्योंकि हर बार इकट्ठे होकर फूटे हैं, तो कौम अगर एक गाली देती थी तो फिर 10 गालियां देते हैं। आप चाहते हैं कि इस गंद में हम भी क्षमा हो और हम भी गालियां खाएं कौम से? ये गंदगी है। हम समझते हैं इत्तेहाद वो जो दिल के इत्तेहाद जिसमें दिल इकट्ठे हो जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक, कायद से लेकर वर्कर तक सब इकट्ठे हो जाएं और दिलो जहां से इकट्ठे हो जाएं, दरमियान में कोई मुनाफिकत मुगायरत और मुनाफरत की कोई दीवार न रहे। यक जान यब तालिब होकर अल्लाह के दीन के लिए लड़े मरे, उनका जीना भी एक हो मरना भी एक हो। हम तो इस इत्तेहाद के कायल हैं। ये अभी नहीं हो सकता, ये अभी मुमकिन नहीं है। बकाया जो इत्तेहाद के नाम पर हो रहा है वह धोखा और फरेब है। अभी आपने हाल ही में दो देखे, यंगेती कौंसिल भी देखी और पंच जमाती इत्तेहाद दो देखे ना, हाल ही में देखे दो ताजा। अब उस पंच जमाती इत्तेहाद का हशर भी आपने देख लिया। इधर इत्तेहाद इकट्ठा करते हैं, उधर जमातें उसी में शामिल, हर एक्टिविटी अपने नाम पे अलग करती है। पंच जमाती इत्तेहाद था या नहीं था, मिली यंगेती कौंसिल मौजूद थी या न थी, तो एहतसाब धरने या इस्लामाबाद धरने या लाहौर किंडी धरने ये यंगेती कौंसिल के नाम पर क्यों ना किए गए? ये किसी एक जमात ने तनहा अपने नाम पे क्यों किया जबकि पंच जमाती इतिहाद अभी टूटा भी नहीं था? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मिली यंगेती कौंसिल के खात्मे का ऐलान भी नहीं हुआ था और वो जमात उन दोनों में से अभी तक निकली भी नहीं थी। तो जब कौमी सतह पर जिद्दोजहद के लिए इकट्ठे थे तो वो धरना इकट्ठे उस एक नाम से क्यों ना हुआ? क्यों एक जमात अलग एक नाम से करती है? ये फैसला आपको करना है। अगर पांच जमाती इत्तेहाद था, ये डिसाइड हो गया था ना कि ये पांच जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर आपके हाफजे बरकरार है, पांच जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, तहरीक फिका जाफरिया नूरानी ग्रुप और तहरीक फिका जाफरिया और समीउल हक ग्रुप, जमीयत उलमाए इस्लाम और गालबन जमीयत अहले हदीस रोकड़ी या रोपड़ी ग्रुप हैं, ये दोनों बराबर, ये पांच जमातें जो थी इनका इत्तेहाद था, ये आपको याद है ना। फैसले इकट्ठे हो रहे थे, मिलकर इलेक्शन लड़ने न लड़ने की बात हो रही थी, अचानक अखबार में खबर आ गई कि जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने इंतखाबात के बायकॉट का फैसला कर दिया और फैसला हो गया कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। चार जमातों को पता ही कोई नहीं, आपने पढ़ा कि नहीं अखबार में? उसके बाद उनके इजलास हुए, उन्होंने कहा कि हमने तो अभी बायकॉट का फैसला नहीं किया, आप वापस लें। जमात इस्लामी की क्यादत ने कहा कि हम फैसला कर चुके हैं, हम वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा हमसे आपने मशवरा नहीं किया, हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा आप लड़े, हम नहीं लड़ते। ये इत्तेहाद है। उन्होंने कहा हम आपके फैसले के पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा आपकी मर्जी हमारी मर्जी, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। इसको इत्तेहाद कहा जाता है इस मुल्क में। हम इस तमाशे में जलील होने को तैयार नहीं। मैं अगली आखिरी बात आपको बताता हूं, रीसेंट केस, ये कादियानियत का मसला उठा के नहीं जी, कादियानियत का मसला। इस पे सबसे पहले फौरी तौर पे हमने एक इजलास बुलाया, आपको याद है, बुलाया था मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट में, बहुत बड़ा भरपूर कुल जमाती तमाम दीनी और मजहबी जमातों का इजलास हुआ, कुल जमाती इजलास हुआ। एक हंगामी तौर पे एक दो दिन के, एक दिन के नोटिस के अंदर दो दिन में दावतें दी, एक दिन का गैप था, इससे बड़ा इजलास नहीं हो सकता था लाहौर में। सब आ गए, उसमें फैसला हुआ कि 18 तारीख को यानी जो हफ्ते का दिन था मस्जिद शुहदा में जलसा होगा। मस्जिद शुहदा में जलसा होगा, ये फैसला हुआ। और ये भी फैसला हुआ कि उस जलसे में तमाम जमातें जिनके नुमाइंदे मौजूद हैं उनके सरबराहान आएंगे।
मेरे पास तो मिसालें देने के लिए 100 मिसालें हैं, मैं क्या दूँ, यही 4-5 पर ही इक्तफा कर लें और दुआए खैर कर लें। इस पर दुआए खैर से मुराद सवाल की दुआए खैर। फैसला हुआ उस मीटिंग में कि हर जमात का सरबरा आएगा। अब कुछ जमातें तो अच्छा कुछ दिन भी रहते थे, जो सरबरा तो लाहौर में मौजूद हैं वो तो पाबंद हो ही सकते थे, और मुल्क से बाहर तो कोई भी नहीं था। कोई तकरीबन 6-7 दिन का गैप था ना, एक हफ्ते का गैप था। अगर कोई पिशावर और कराची तक भी रहता है तो हफ्ते का गैप है, वो भी आ सकता है, एक दिन के नोटिस पर भी आ सकता है। जब सब जमातें जो इकट्ठी हैं और फैसला हो रहा है कि खत्म नबूवत के मौजू पर होगा, और वो मिनाज, और वो ये भी जब हुआ कि ये किस प्लेटफॉर्म पर हो, उन्होंने कहा जी वो मजलिस अमल तहफ्फुज खत्म नबूवत है, उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, किसी और पर नहीं। प्लेटफॉर्मों का भी झगड़ा होने लगा, किसी और पर नहीं। मैंने फौरी कहा कि आमन्ना व सद्दकना, हम खुश हैं उसी प्लेटफॉर्म पर होगा, हम भी उसी पर आएंगे। अब हमारा प्लेटफॉर्म भी नहीं था। अब फैसला हुआ कि सब जमातों के सरबरा आएंगे, और एक दूसरे को कहा गया। उसमें सिर्फ मैं गया और एक जमीयत अहले हदीस के सरबरा वो साजिद मीर साहब गए, बाकी किसी मुल्क की जमात का सरबरा नहीं आया। छुट्टी जमात इस्लामी के नुमाइंदे मौजूद थे, नहीं आए उनके सरबरा। जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे मौजूद थे, उनके सरबरा नहीं आए। समी अलग ग्रुप के नुमाइंदे मौजूद थे, उनके सरबरा नहीं आए। समी अलग साहब नहीं आए, फजल रहमान साहब नहीं आए, नूरानी साहब के जमात वाले सरबरा नहीं आए, न्याजी ग्रुप वाले सरबरा भी नहीं आए, किसी जमात का सरबरा नहीं आया। एक साजिद मीर साहब आए जमीयत अहले हदीस के, मैं आगे अगली बात बताता हूँ। हत्ता के तंजीम इस्लामी डॉक्टर असरार अहमद साहब की जमात है, उसके नुमाइंदे मौजूद थे, और ये शर्त भी मुतालबा भी उन्होंने किया था। मैं मजे की बात बताऊं, ये मुतालबा भी तंजीम इस्लामी डॉक्टर असरार अहमद साहब के नुमाइंदे थे। इस मुतालबे की इब्तदा भी उन्होंने दी थी कि पाबंद किया जाए तमाम नुमाइंदों को, कि हर कोई अपनी जमात के सरबरा को लाए। उसने कहा मैं पाबंद करता हूँ, मैं लाऊंगा। जमात इस्लामी वाले लियाकत बलोच साहब ने कहा मैं लाऊंगा, मैं तो खुद ही मौजूद था, हर किसी ने जिम्मेदारी ले ली। वो जिन्होंने तजवीज दी थी वो भी अपने सरबरा डॉक्टर असरार अहमद साहब को भी नहीं ला सका। अगर कोई कहे कि तबीयत खराब थी तो फिर नजला जुकाम तो हर एक को ही होता है, हर एक की तबीयत खराब होती। मैं आपके साथ तबीयत खराब की हालत में नहीं 10 दिन गुजार रहा, आपको क्या खबर कि हर रोज शाम और रात मेरी क्या बीतती है, क्या अंदाजा है आपका। दिन का ये वक्त जोहर के बाद तक गुजर जाता है अच्छा, और जब दिन ढलता है उसके बाद जो जो शाम इफ्तार और रात होती है, आपको क्या खबर क्या बीतती है मेरे पास। तो यूं तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ होता है, ये तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं आया। नंबर दो, दूसरी सुनिए बात, दूसरा फैसला ये हुआ था कि सरबरा भी आए, और सिर्फ अकेले सरबरा ना आए, हर जमात कसीर तादाद में अपने कारकुन लेकर आए, ताकि बहुत बड़ा कामयाब जलसा हो। ये शर्त लगी थी, ये शर्त आहिद हुई थी कि हर जमात अपनी कसीर तादाद में कारकुन लेकर आए। अब आप खुद ईमानदारी से बताइए वहां किसके कारकुन गए थे, बताइए। सबसे ज्यादा अगर आपके कारकुन मिनहाजुल कुरान के सारे के सारे कारकुन उस जलसे से निकाल लिए जाते, आप न गए होते, तो बकाया जलसा कितना था। मेरा ख्याल है मुश्किल है कि 100 या 200 आदमी मुश्किल से हो, 100 आदमी भी शायद उसको जलसे में मुश्किल से होते, या 200 आदमी। ये तहफ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों से खुद जाकर पूछ लें कि क्या हालत थी। वो सारा जलसा मिनहाजुल कुरान के कारकुनों की वजह से भर गया, तो बाकी जमातें कहाँ गई थी, वो कोई कारकुन भी लेके नहीं आया, हर एक ने एक एक मुकर्रर भेज दिया, अकेले आए तकरीर की और घर को चल पड़े। तंजीम इस्लामी के सुना 5-10 वर्कर आए थे, झंडे लाए थे, और आप झंडे पकड़ने के लिए लोग नहीं थे, क्योंकि हमारे बांट दिए, हमारे पास तो अपने लोग आए हुए थे, किसी जमात ने वर्कर नहीं भेजे। इसको इत्तेहाद कहते हैं। काम
بس آگے میں کیا کیا آپ کو, بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ یعنی ایک چیپٹر میں ہزار ہزار قصے ہیں. اس یہ کوئی اتحاد اس ملک میں نہیں, اتنی منافرت, اتنی منافقت, اتنی کدورتیں, اتنی دوریاں آپس میں بھری ہوئی ہیں, اور یہ انہی منافرتوں, کدورتوں اور منافقتوں کا نتیجہ ہے جو مذہبی قوتیں بھگت رہی ہیں. ذلت و رسوائی کے گڑے میں ہیں, لوگ چھوڑ گئے ہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں, کوئی مصافحہ کرنے کو تیار نہیں, کوئی ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں, اپنی حیثیت خود کھو گئے ہیں. بس اپنے چار چار نمازیوں کو اور مریدوں کو لے کر بس اپنے مست ہیں, سمجھتے ہیں کہ سارا جہان ہمارے ساتھ ہے. تڑف ہو گئے ہیں عوام سے اسی کردار کے باعث. اور اگر میں آپ, اگر یہاں یہ بھی سوال تھا کہ کچھ جماعتیں تو ان میں ایسی ہیں کہ جن کے ذہن میں صرف اکیلے پورا ملک فتح کر لینے کا کیڑا آ گیا ہے, خمار آ گیا ہے, آپ ان سے کس اتحاد کی کوشش کرتے ہیں؟ دو تین بار حالیہ پچھلے چند مہینوں میں بھی ان کے لوگوں سے اتحاد کے موضوع پر گفتگو کی ہے, دو ایک بار خود میں نے کی ہے ملاقات کے دوران. پہلے وہ ہلکی پھلکی بات اتحاد کے چلانے کی کر دیتے تھے, اب اس سرے سے اس موضوع پر آتے ہی نہیں, اس موضوع پر آتے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہے کہ بس چند دو چار پانچ سالوں کی بات ہے, ہم اکیلے سارے ملک کو فتح کر لیں گے, کیا ضرورت ہے کسی کو شریک کرنے کی, کسی کو شریک اقتدار کرنے کی, جب ہم اکیلے ہی فتح کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. بس سومنات کا مندر ہے, آخری ضرب رہ گئی ہے دو ضربے, کچھ لوگوں کو یہ خیال آ گیا ہے. تو آپ ان کو کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ وہ اس وقت کسی اور گھمنڈ میں. اور نمبر دو, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جتنے اتحاد ہوئے ہیں, جب انسان اپنی نفس کے لیے اور فقط اپنی جماعت کے مفاد کے لیے اتحاد کرے گا, جب تک مفاد پورا ہوگا وہ اتحاد کی ایک شکل رہے گی, جھوٹی شکل. جو ہی مفاد پورا نہیں ہوگا وہی ٹھوکر مار کے نکل جائیں گے, سارے ذلیل و رسوا ہو کے کھڑے ہوں گے اور پوری قوم کے سامنے ان کا مذاق ہوگا. یہ میں نے آپ کو تجربات کا نچوڑ بتا دیا ہے. اور فیصلہ, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب اس وہم سے نکل جائیں. بڑی کوششیں کی ہیں ہم نے اس پر, بڑی کوششیں کی ہیں, اتنی کی ہیں کہ میں خانہ خدا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل اللہ کے حضور مطمئن ہے, اس بات پر گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ حقیقت اتنی آشکار ہو چکی ہے. اس کوشش کے پیچھے اب بھاگنا اور دوڑنا, اپنا وقت ضائع کرنا, یکسوئی سے اپنا کام کریں, مصطفی انقلاب کے لیے محنت کریں, اپنے دریا کو سمندر میں بدلنے کے لیے افرض کریں, بڑھتے چلے جائیں, ہر ہر محاذ پر انقلاب کے لیے یلغار بن کے بڑھیں. وہ وقت انشاءاللہ آئے گا اگر آپ اتنے قوی ہو جائیں گے. اس وقت بھی قوی تر ہیں انشاءاللہ تعالی کئی ہمسروں کے مقابلے میں. حضور کے نالین پاک کا بڑا کرم ہے اور اللہ پاک کی رحمت اور فضل اور اس کا بڑا انعام و احسان اور مدد و نصرت ہے. آپ کسی سے پیچھے نہیں بڑھیں, مگر ابھی سو گنا ہزار گنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ طاقتور ہو گئے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب دوسرے لوگ جو آج اتحاد کی بات سننے کو تیار نہیں, اور یہ بھی عرض کر دوں اگر ایک دو بار وہ اکٹھے ہوئے تو ہمیں اس میں بلاتے بھی نہیں. ہاں یہ ایک بات رہ گئی تھی ذہن میں, یہ بھی نقطے کی بات ہے. وہ اگر اکٹھا جعلی طور پر بھی اکٹھا ہونا چاہتے ہیں, کیا تو ان کو پتا ہے کہ یہ جعلی اکٹھا ہونے والے لوگ جب یہ مل بیٹھیں گے تو یہ شخص گرفت کرے گا, یہ کہے گا یہ منافقانہ اکٹھا ہونا ہے, دل سے اکٹھے ہو, سیدھا اکٹھا ہو اوپر سے نیچے تک. وہ کام وہ کرنا نہیں چاہتے, اس لیے بدمزگی کریٹ نہیں کرتے, وہ بلاتے ہی نہیں ہوں. جب ایک کھلونا بنانا ہو نا اتحاد کے نام پر, ایک تماشا کرنا ہو, ایک کھیل تماشا, تو اس میں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو اس قسم کے اتحاد پر متفق ہوں, اس قسم کے اتحاد پر متفق ہوں جو اس قسم کا اتحاد نہ چاہے اور حقیقی اتحاد چاہے, اس کو بلاتے ہی نہیں. اب یکجہتی کونسل بنانے کا وقت آیا, ہم کو نہیں بلایا. پانچ چھ سربراہی اجلاس ہوئے, کتنے؟ نلی یکجہتی کونسل کے پانچ چھ سربراہی اجلاس. اس وقت میں لندن سے واپس آ چکا ہوا تھا, موجود تھا, مگر موجود ہونے کے باوجود کسی ایک اجلاس میں بھی دعوت نہیں دی. اور ہر بار اجلاس کے اگلے دن جو اخبار میں خبر جاتی ہے نا, پریس ریلیز, ہر ایک بار جو میرا نام چھاپتے تھے وہ جھوٹا چھاپتے تھے,
मिली यही थी काउंसिल की तरफ से जो प्रेस रिलीज जाती थी ना कि फलां फलां सरवरा पहुंच गए और शरीक हुए, और उसमें हर बार जो मेरा नाम लिखा होता था वो झूठ का पलंदा था, न किसी ने दावत दी न मैं गया ना शरीक हुआ, अखबार में गलत खबर छापते रहे। हम सिर्फ ये कि अहले दीन हैं, मजहब का नाम लेते हैं, अब क्या नंगा करें बैठे, चुप रहे बैठे रहे। और हिदायत दे दी कि मकामी तौर पर सारे लोग कारकुन लीडर जब दीनी काम के लिए बुलाएं तो शिरकत किया करें, तामन हम फिर भी तामन करते रहे। नामूस रिसालत का मामला था उसकी खातिर और मजहबी यकजहती की खातिर, दिन आखिर जब देखा कि ये तो कुछ अपने मफादात पूरे होने लग गए हैं बाज़ जमातों के और वो चक्कर चला रही हैं और इसे सियासी तौर पर आइंदा इंतखाबात के लिए इस्तेमाल में लाना चाहती हैं, जब ये चीज़ आश्कार हो गई तो मुनासिब और जरूरी वक्त था कि अब हम हकीकत हाल वाजे करके ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तो मिलाना भी नहीं चाहते, वरना क्या हर्ज था। मैं एक फार्मूला आज फिर दोहराता हूं, इसमें मुझे बताइए क्या हर्ज था कि चार पांच मजहबी दीनी जमातें हैं बड़ी, हर एक को मिलकर यह फार्मूला दे चुका हूं, हर एक से मिलकर यह फार्मूला जाती तौर पर हर जमात के सरबराह को दे चुका हूं। सुनी सुनाई नहीं कि उनको पहुंची, अखबार के जरिए नहीं, बिल मुशाफा मीटिंग्स में दे चुका हूं। और मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें नक्स क्या है। अगर इखलास हो, हर शख्स कहता है कि मेरे पीछे इकट्ठे हो जाओ, आप यकीन जानिए जमात इस्लामी से राबते की कोशिश की, मैं चल के मंसूर आ गया, काजी हुसैन अहमद साहब से बात की इकट्ठे होकर लड़ने की। मुझे कहते हैं कि क्या इस्लामिक फ्रंट में आप आ सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा मैंने तो ये जनाब को दावत नहीं दी कि क्या आप छोड़कर अपनी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक में आ सकते हैं। मैंने काजी मौलाना समीउल हक साहब वाली जो जमात, उन्होंने एक मुत्तहिदा शरीयत बनाई थी, उन दिनों एक महाज बनाया था जी, मुत्तहिदा शरीयत महाज, उनसे राबता किया, उन्होंने कहा हमने तमाम जमातों को मुत्तहिद करके शरीयत महाज बना दिया है, जिनको इकट्ठे होने की जरूरत है वो हमारे अंदर शामिल हो जाए। ये आपको नजरिया इतिहाद भी बता रहा हूं, ये उनका जवाब मिला। फिर जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए इस्लाम, नूरानी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब वाली जो जमातें, उनसे मुलाकात की, नशिस्तें हुई भरपूर, उन्होंने उनके जो लीडरान गरामी बैठे रहे पैदल, उन्होंने कहा कि हमारा इस्लामी जमहूरी महाज है, वो ऑलरेडी मुत्तहिद हम हो चुके हैं, दो ही तो बड़े मसलक हैं इस मुल्क में, एक अहले सुन्नत बरेलवी और एक देवबंदी, दो ही तो बड़े मसलक हैं और तो है ही कोई नहीं, तो हम मुत्तहिद हो चुके हैं, आप हमारे अंदर आ जाए, हमारी जमात में आ जाए, हमारे महाज में आ जाए। यह है नजरिया। और मैं आपको बताऊं, एक तनहा तहरीक मिनहाजुल कुरान थी या पाकिस्तान अवामी तहरीक जिसने ये मजहब का खेल दावत किसी को कभी नहीं दी कि हमारे अंदर आ जाए। ये अलग बात के अल्लाह का शुक्र है कि उनके कईयों के इकट्ठे होने से भी अल्लाह का फजल और रहमत इधर ज्यादा है, मगर हमने ये मजहब का खेज दावत किसी को कभी नहीं दी। अब हल इसका हमेशा मैंने दिया वो ये, अगर मुखलिस हों इत्तेहाद के लिए तो सारी बड़ी जो दो चार पांच जमातें हैं उन जमातों के सरबराह अपनी अपनी जमातों को बरकरार रखें, इकट्ठे होकर एक सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल बना लें। क्या सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल बना लें, और उसका ना कोई सदर हो, ना कोई चेयरमैन हो, ना कोई सरबराह हो, चार पांच छह जो सरबराहान हैं वो बराबर दर्जे में मिलकर सारे सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के मेंबर बन जाएं, और मुस्तफ़वी और इस्लामी इनकलाब की जो तहरीक है उस तहरीक की क्यादत वो सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल करे, इज्तिमाई क्यादत का फरीजा अंजाम दिया जाए। बताइए इसमें किसका खसारा है, है कोई घाटे का सौदा किसी के लिए, कोई छोटा बनता है? हम क्लेम नहीं करते कि हम सरबरा बने, कोई भी क्लेम ना करे, सरबरा क्यादत उस सुप्रीम काउंसिल की हो जिसमें चार पांच लीडर्स जो भी बड़े हैं वो मिलकर एक दर्जे में उसके मेंबर आ जाएं, और मुस्तफ़वी इनकलाब की और इस्लामी इनकलाब की और शरीय इनकलाब की और निज़ाम शरीयत और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक की क्यादत वो सुप्रीम काउंसिल चलाए, और कराची से पिशावर तक वो काउंसिल के पांच रहनुमा मिलकर दौरे करें। क्या मिलकर दौरे करें? अब बताइए इसमें क्या नक्स और क्या खराबी है, किसका क्या बिगड़ता है इसमें?
अगर इत्याद में मुखलिस हों तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई तजवीज़ न थी। और हमने कहा कि आप इसकी मुतबादल तजवीज़ कोई दे दें, आज तक आपने देखा किसी जमात की तरफ से, हमने तो एक तजवीज़ दे रखी है ना, किसी ने कोई इसकी मुतबादल तजवीज़ आज तक पेश की है? और कोई दे भी नहीं सकता, इससे बेहतर तजवीज़ मुमकिन ही नहीं। इस पर उन्होंने एक एतराज़ किया इस तजवीज़ पर, उन्होंने कहा कि इज्तिमाई की आदत लेके चले तो ये काम तो नहीं चलता, बिल आखिर एक इनफरादी की आदत को भरना होता है तो वो आखिरी तौर पे इनफरादी की आदत कौन होगी? मैंने कहा वो फैसला हम और तुम न करें, वो आवाम पे छोड़ दें, वो हम साजिश में पांच आदमी मिलकर साजिश के साथ वोटिंग से फैसला न करें, क्योंकि हमेशा तीन एक तरफ होते हैं, मिली भगत होती है, साजिश होती है हमेशा, अगर पांच है तो तीनों की साजिश होगी। हम बंद कमरे में फैसला ना करें कि वो इनफरादी की आदत, वो वाहिद लीडर उभर के आने वाला कौन होगा, ये हमारा हक नहीं है। हमारा काम फकत ये है कि हम बराबरी की सतह पर इस्लामी इंकलाब के लिए और मुस्तफ़ावी इंकलाब के लिए पूरा पाकिस्तान करिया करिया मिलकर हुजूर के गुलाम बन के सफर करें, पूरी कौम को उठाएं, इंकलाब का माहौल पैदा करें और पूरी कौम को इस इस्तेसाली ताहूती निजाम के खिलाफ बगावत के लिए खड़ा करना हमारा काम है। और एक लीडर उधर के कौन आएगा यह फैसला हमारा काम नहीं, यह कौम पर छोड़ दिया जाए, कौम फैसला करे। मैंने कहा कि यह करें, हम कुरान पर हाथ रख के हल्फ उठा लें कि जो अपनी क़यादत के लिए साजिश करे वो बेईमान जहन्नमी होगा, जो अपनी क़यादत के लिए साजिश करे वो हुजूर की शफाअत से महरूम होगा। हम हल्फ उठा लें, कोई कोशिश ना करे, कोई साजिश ना करे, कोई मुहिम ना चलाए, कोई कंपेन ना चलाए, बस अल्लाह के तवक्कुल पर नेक नियति से कूद पड़े। हम हुजूर के दीन की नौकरी करें, जो अहल होगा अल्लाह रसूल की तरफ से कौम और अवाम खुद ब खुद उसको आगे ले आएंगे, जिसको आगे कौम पसंद कर ले, जो उभर जाए उसे कबूल कर लिया जाए, जो उभर आए खुद ब खुद उसे कबूल कर लिया जाए। हम लिख कर देने को तैयार हैं, जो उभर आए उसे कबूल कर लेंगे। मैं तो नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई हल और है, और यकीनन कोई नहीं होगा, लेकिन ये जो आखिरी बात कहते हैं ना कि कौम पर और आवाम पर छोड़ दे, इसी हिस्से का खतरा है। बस मैं समझता हूं, हम समझते हैं कि खतरा यही है, जिस दिन ये खतरा इस नफ्स से और दिल से निकल जाएगा उस दिन इत्तेहाद की फिजा साजगार हो जाएगी। लिहाजा अब बेहतर है कि आप इस सवाल के चक्कर से ही निकल आए, बहुत कुछ देख लिया इसमें हमने, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह इतिकाफ के दिनों में। वमा अलैना इल्लल बलाग।